जब स्कूल में स्पीच देता था तो एक ही लाइन याद आती थी, पानी कहाँ पर है। तो अभी थोड़ा डर निकल गया क्योंकि पिछले 4 सालों से ट्रेनर हूँ तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई है और ये सब कुछ FLP की बदौलत है। 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ मीटिंग शुरू करने से पहले, इजाज़त है? गमों की तरफ पीठ फेर लो तो दिखाई नहीं देते, गमों की तरफ पीठ फेर लो तो दिखाई नहीं देते, मुश्किलें कितनी भी चिल्लाती रहें सुनाई नहीं देती, और उजाले की तरफ मुंह करो तो परछाई नहीं दिखती, और तैरने का हौसला हो तो गहराई नहीं दिखती। एक लाइन और, मी तुम्ही सर्वांशा इते स्वागत करते। थैंक यू। आज पहली मीटिंग है इधर तो एक ही लाइन याद कर पाए हो। अगली बार आऊंगा तो थोड़ा और ज्यादा करूंगा। और नीचे जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी का भी स्वागत है जो नीचे लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। नाम तो सभी लोग जान चुके हैं, रवि पांडे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगा, पर इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि यहां कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्हें अभी कोई नॉलेज नहीं है फॉरएवर लिविंग के बारे में। वेरी गुड। और कितने लोग यहां ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं अभी? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सभी का दोबारा एक बार मैं स्वागत करता हूं अपनी और अपनी कंपनी की तरफ से। और एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। अभी सर ने भी बोला मीटिंग के बाहर नहीं जा सकते, पर जो लाइन में बोलूंगा उसके बाद कोई जाना भी नहीं चाहेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए का चेक आए? ये तो सवाल ही गलत है। देखो मैं गलत सवाल बहुत पूछता हूं, थोड़ा माफी चाहता हूं, है ना। 2 लाख रुपए महीना कितने लोग कमाना चाहते हैं? कुछ लोग ना साथ वाले से पूछते हैं, तू भी आप कमाना चाहते हो? नहीं, अपना हाथ खड़ा करो। सभी चाहते हैं ऑलमोस्ट, हैं? अच्छा ये बताइए, एक ही महीने चाहते हैं या हर महीने कमाना चाहते हैं? पक्का? तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेनिंग्स है ना फॉरएवर लिविंग की, ये आपको 1 लाख रुपए नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपए महीना कमाना सिखाती है। राइट? अगर आपको इस मीटिंग का 10 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना मिले तो बोर होंगे आप? नींद आएगी? बाहर जाएंगे? मोबाइल बजेगा? है ना? देखो अभी कोई नहीं जाना चाहेगा बाहर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। जैसा कि सर ने बताया, मैं दिल्ली से हूं और 24 साल का था जब FLP से मुलाकात हुई, बट आई स्टार्टेड वर्किंग इन 1998 आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग। और मैंने जॉब और ग्रेजुएशन दोनों साथ साथ किया, और दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में मैंने करीब 6 साल जॉब की। देवर द मैन्युफैक्चरर ऑफ LPG स्टोव। वहाँ पर मैं सुपरवाइज़र कम अकाउंटेंट कम सेल्समैन कम परचेजर सब कुछ था। सीधी सी बात कहूँ तो यस बॉस वाली नौकरी थी। और मेरी जो लास्ट सैलरी थी वहाँ पे, अभी उसको डिस्क्लोज करने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती क्योंकि अभी FLP अच्छी इनकम देती है, 3100 मेरी सैलरी थी वहाँ लास्ट। ऐसा फील होता था जैसे सपोज अगर आप किसी ईगल को एक कमरे में बंद कर दें तो उसकी क्या हालत होगी, है ना, वैसा ही फील होता था वहां मुझे। तो मैं ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया वहां, मेरी कहा सुनी हुई, मैं नौकरी छोड़ आया। छोड़ने के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा नहीं थी, मैं एक BCOM ग्रेजुएट पर्सन हूँ। BCOM मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, एक छोटा सा कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया। तो जो जॉब मिलती थी वो टारगेट ओरिएंटेड मिलती थी, इतना करोगे तो इतना मिल जाएगा, अच्छी जॉब मिलती नहीं थी। बचपन में जब पिताजी बोलते थे ना बेटा अच्छे नंबर लाओ पढ़ो, तो उनकी शक्ल राक्षस की तरह दिखती थी। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने जाता और वहां से मुझे बाहर भगा दिया जाता तो याद आता था कि पापा सही बोलते थे। पर अभी मेरे हाथ से समय जा चुका था, अभी मैं चाहता कि मैं दोबारा से वो लाइफ में आ जाऊं, पढ़ लूं लिख लूं, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो फिर मैंने एक MNC बैंक में नौकरी की, मैं वहां पे करंट अकाउंट ओपनिंग करता था। ऑलमोस्ट बैंक में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सभी बेचे हैं मैंने,
अकाउंट खोलना या इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड सब कुछ कराया हुआ है, और मैंने वहां पर सीख लिया कि झूठ कैसे बोलते हैं बहुत अच्छी तरह। कोई भी आदमी मुझसे जब अकाउंट खुलवाता था वो पूछता था चेकबुक, मैं बोलता था फ्री है, एटीएम कार्ड मैं बोलता था फ्री है, बाहर से पैसे आएंगे मैं कहा फ्री है, मैंने कहा 10 लाख का लोन भी मिलेगा ऊपर से। फिर दोबारा उस गली में नहीं जाता था कभी, उस गली से जाना ही छोड़ देता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं दोबारा गया तो पता नहीं वापस आऊंगा। उस समय एक चीज फील होती थी कि यार कब तक करूंगा, क्योंकि मेरी सच्चाई मुझे तो पता थी, और किसी को पता हो या ना हो पर मुझे तो पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे भी पता था कि ये काम मैं ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा, और मैं ढूंढता रहता था कि कोई अच्छा काम शायद मुझे मिल जाए, शायद कभी भगवान मुझे भी कोई मौका दे दे, मैं ढूंढता रहता था। एट द सेम टाइम मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अर्थराइटिस था करीब 8 सालों से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे घर में अर्निंग भी नहीं थी, मदर की तबीयत खराब हो गई, डिप्रेशन हो गया, उनके हाथ पैर मतलब काफ़ी स्वेलिंग आ जाती थी, और उस समय मैंने रोटी बनाना सीखा क्योंकि वो बना नहीं पाती थी। और हमारे घर में मेरे पापा के एक दोस्त हैं मिस्टर खुराना, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लाकर दिए, पर उनकी केमिस्ट की शॉप है दिल्ली में, तो हमें ऐसा लगा कोई दवाई लाए होंगे, तो हमने पूछा भी नहीं क्या लाए हो क्या नहीं लाए। उन्होंने बोला ये मम्मी को दो, इससे फ़ायदा होगा, हमने उन्हें प्रोडक्ट देने शुरू किए सिंपली, और एक महीने में करीब मेरी मदर को थोड़ा पेन बढ़ गया, तो हम लोगों ने उन्हें कंप्लेंट की कि भाई ये तो और बढ़ गया। उन्होंने कुछ पेन किलर्स दिए, बोले बंद मत करना, इसे भी खाते रहो उसे भी खाते रहो। और फिर 2-3 महीने बाद मदर का दर्द थोड़ा कम हो गया, फिर और कम, फिर और कम, एंड आफ्टर 9 मंथ्स शी हैज गॉट ड्रामेटिक रिजल्ट्स। और मैं जब मैनेजर बना तो वो स्टेज पे खुद चढ़ के आई थी, जो बिस्तर से नहीं उठती थी, तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था, पर तब तक हमें बिजनेस का नहीं पता था। और एक दिन अचानक मेरे पास कोई काम इतना अच्छा था नहीं, पापा का बिजनेस भी डंप हो चुका था, क्योंकि पापा उसी कंपनी में ट्रेडिंग करते थे जहाँ मैं जॉब करता था। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो ऑब्वियसली उनका भी वहाँ पे कुछ हिसाब किताब ठीक नहीं बैठा, और अल्टीमेटली उन्हें भी वहाँ से छोड़ना पड़ा। एक दिन मेरे फादर ने अंकल से बोला, ये नालायक नौकरी छोड़ा है, इसको कहीं अच्छी जगह लगवा दो खुराना जी। तो अंकल ने गलती से बोल दिया कि मैं इसको एक काम बताऊँगा, तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार इनका तो मार्केट में बड़ी अच्छी शॉप है और बड़ी प्रॉपर्टी भी है, इनकी अप्रोच भी है, और उनकी 65 साल है। मैंने कहा हो सकता है ये बड़ी कोई काम बताएं अच्छा, मुझे ज़रूरत भी थी। मैं बिना फादर को बताए अगले दिन सुबह उनकी शॉप पर पहुंच गया। मैंने बोला अंकल आप कल कह रहे थे काम बताऊंगा, शॉप में ना उनके यहाँ कस्टमर खड़े रहते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, वो बड़े बिजी थे, तो 3-4 घंटे मैं खड़ा रहा, बात हो नहीं पाई, फिर मैं थक के घर वापस आ गया। फिर दूसरे दिन गया, फिर वही हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करते करते ना 4 महीने निकल गए। अल्टीमेटली मैंने जाना छोड़ दिया। जब मैंने जाना छोड़ दिया, कुछ दिन बाद अंकल का फोन आया मेरे फादर के पास, रवि को भेज दो, वो आजकल आता नहीं है, क्या हो गया? तो पापा ने मुझे बोला, अंकल बुला रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने फादर को कुछ नहीं बोला, मैं सीधा वहां पे गया। मैंने कहा देखिए अंकल आज बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता खत्म। 4 महीने बाद, अच्छा मैंने उनसे एक चीज सीखी, उनमें पेशेंस बढ़े हैं। पहले तो मुझे स्टूल में बिठाया कि पहले ठंडा पी, पहले गुस्सा खत्म कर। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और एक एड्रेस दिया, बोले इनसे जाके मिल, ये बताएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, वो जो एड्रेस था ना वो उनसे 4 कदम की दूरी पे था। मैंने बोला 4 महीने पहले दे देते तो कुछ घट जाता। खैर मैंने बोला कुछ होना नहीं है इनका, मैंने एड्रेस लिया, मैं चला गया जहाँ उन्होंने बोला था, उनसे बात करी। उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया और मैं उनके घर गया और मैंने वहाँ पर प्रेजेंटेशन अटेंड की। जब प्रोडक्ट्स मेरे सामने आए तो मैं एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वही प्रोडक्ट थे जो मदर ने लिए, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये वही प्रोडक्ट्स हैं। तो जब प्रोडक्ट्स दिखाए तो सेटिस्फाई हो गया। फिर उन्होंने बताया ये दवाई नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी इस काम में आ सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, सीख सकता है। और सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद जब मैं उनके घर से बाहर आया, तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ FLP में हूँ। राइट? आपको तो यहाँ शायद किसी ने इनवाइट किया होगा, यू आर सो लकी, है ना। मुझे 4 महीने लगे थे
ये पूछने में क्या है। कई बार हमें ऐसा होता है कि भगवान खुद चलकर घर आते हैं और हमें हम पहचान नहीं पाते, है ना। और इसकी कीमत मैं समझ सकता हूं फॉरएवर की, क्योंकि मैं दिन में करीब 14 घंटे फैक्ट्री के अंदर रहता था, तो मैं समझ सकता हूं ये जो फ्रीडम या FLP दे रही है, पैसे की भी और टाइम की भी, इसकी कीमत क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती, मेहनत करने के बाद भी, डिग्रियां लेने के बाद भी नहीं मिल पाती, और मिल भी जाती है तो हेल्थ नहीं होती उनके पास कि वो एंजॉय कर सके उसको। तो यहां से FLP की शुरुआत हुई, और मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि नहीं हुआ तो। अधिकतर लोग जब मैं देखता हूं, वो जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है, सर अगर नहीं हुआ तो, अगर किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो, अगर 6 महीने कुछ नहीं हुआ तो। मैंने कहा तो 25 रुपए वापस ले लियो, और क्या होगा। मैंने बोला अब एक बार सोच, अगर हो गया तो। नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, मैं तो हमेशा पॉजिटिव था। मुझे पता था मेरे चेक आएंगे, मुझे पता था मैं मिलेनियर बनूंगा, मैं कार प्लान लूंगा, मुझे पता था, और मैं ले भी जा रहा हूं, पूरा विश्वास था। 7 मंथ्स में मैनेजर बना। तो इस तरीके से फॉरएवर की शुरुआत हुई। अभी मैं परिचय में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, उसके लिए शायद हमारा समय कम पड़ जाए। और मैं कोई टीचर नहीं हूं या कोई डिग्री होल्डर नहीं हूं, बस इन 7 सालों में जो भी अनुभव मैंने फॉरएवर से लिया है, जिन परेशानियों को का सामना करके मैं आगे बढ़ाऊं, आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है मेरी वजह से आपकी गाड़ी भी चल पड़े, राइट। एक बात श्योर रखें कि आप 100% इस मीटिंग हॉल में होने चाहिए। हो सकता है मेरी पूरी मीटिंग बोर हो सकता है मैं सारी बातें वही बताऊं जो आपने पहले से ही सुनी हुई है, है ना, आपको नींद आने लगे। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि पूरी मीटिंग में एक लाइन ऐसी होगी जो शायद आपको सक्सेस बना सकती है, राइट। पर एक प्रॉब्लम है, वो लाइन कब आएगी ये ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखकर नहीं आया, मैंने कोई स्पीच याद नहीं की, तो आपके मतलब की कौन सी लाइन है मुझे नहीं पता। तो मेक श्योर कि जब वो लाइन आए तो नींद ना आ रही हो, वरना आप अभिमन्यु बन जाओगे, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है, एक एक चीज को समझना है। शैल वी स्टार्ट? ओके। तो हमारा सब्जेक्ट तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ओवरकमिंग चैलेंजेस। अच्छा ये बताइए, अगर ये चैलेंजेस पार हो जाएं तो क्या होगा? सक्सेस आएगी या नहीं आएगी? अगर आपको मैं एक दीवार दिखाऊं सामने और बोलूं देखो ये 100 फीट की दीवार है, आपको टांपनी है, तो मेरे ख्याल 99.99% लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये कैसे है, ये बेकार काम है, कौन इसमें अपना सर फोड़े, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं आपको ये बता दूं इस दीवार के पीछे 50 करोड़ के हीरे, अभी क्या होगा? अभी तोड़ने में टाइम लगेगा, है ना। अच्छा अभी एक बात बताओ, अगर एक आदमी तोड़ेगा तो जल्दी टूटेगा या सब मिलके तोड़ेंगे तो जल्दी टूटेगा? तो सारे करोड़पति होना चाहते हैं, ओके। तो अभी आपको एक टीम की तरह काम करना है, ठीक है, और ध्यान से एक एक बात को सुनना है। यकीनन 50 करोड़ के हीरे नहीं, बल्कि ये वो समंदर है जिसमें इतना पैसा है आप जितना मर्जी निकाल के ले जाओ कम नहीं होगा, बट आपको वो दिखना चाहिए, राइट। आपको फेथ होना चाहिए कि हाँ यस होगा, तो डेफिनेटली होगा। अभी इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक चीज तो श्योर हूं यहां पर कि यहां बैठा हर व्यक्ति ईमानदार है, है? कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, है या नहीं है? Yes. पक्का? Yes. सक्सेस सभी लोग होना चाहते हैं? Yes. मैंने कहीं पढ़ा था कि उत्तमता वास्तविकता में जीने से आती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यह डिसाइड करना होगा मैं आज कहां पर हूं, तभी आप अपना रोड मैप डिजाइन करेंगे ना। तो सभी ईमानदार हैं, जो मैं पूछूंगा सही से बताएंगे, ओके। Yes. तो मुझे यह बताइए कि सबसे पहला चैलेंज क्या आता है आपको जब आप बिजनेस करते हैं? एनीबॉडी? सबसे पहला चैलेंज, किसी को कोई चैलेंज ही नहीं है, सारे चैलेंजेस खत्म। तो मेरी मीटिंग 4 लाइनों में सक्सेसफुल हो गई,
ओके खुल के ईमानदारी से, ईमानदारी से देखिए, मैंने पहले पूछ लिया आप सब ईमानदार हैं, चैलेंजेस आते हैं या नहीं? पहला चैलेंज क्या आता है? मैं करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आता हूँ देखता हूँ। अच्छा ओके, अभी देखिए सबसे पहली चीज है कि FLP आप क्यों कर रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर है? असिस्टेंट सुपरवाइजर, वेरी गुड, काफी सारे लोग हैं। FLP क्यों कर रहे हैं आप? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों कर रहे हैं? यहां से क्या मिल सकता है? ये वो क्वेश्चन है जो ये डिसाइड कर देगा। यस यस प्लीज प्लीज, हेल्थ एंड वेल्थ, वेरी गुड। अभी हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? चलो हिंदुस्तान यहां से ही सर्वे कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक स्वस्थ रहूं? वेरी गुड, ये भी गलत सवाल। अच्छा कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर है जहां सभी लोग स्वस्थ हैं? तो इसकी जरूरत किसको है? वेरी गुड, सबको है ना। वेल्थ की जरूरत किसको है? सबको है। अभी प्रॉब्लम कहां आती है? जब जरूरत भी है हम बता भी रहे हैं, प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले वाई FLP फॉरएवर का बिजनेस मैं क्यों करूं? मैं क्यों इस कंपनी के साथ जुड़ूं? क्या मिलेगा मुझे यहां से? मेरे लिए क्या है? राइट मैं जब फॉरएवर में आया तो मैंने सबसे पहली चीज बताई कि मैं नीडी था, उस समय कोई बिजनेस नहीं था हमारे पास। और जब मुझे 2-2.5 लाख के चेक दिखाए गए थे तो जिन्होंने दिखाए वो श्री SB वत्स, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार। यस, वो उस समय दिल्ली पुलिस में थे, अभी तो उन्होंने जॉब रिजाइन कर दिए। तो मैंने जब प्रेजेंटेशन देखा, उनके 2-2.5 लाख के चेक देखे, तो मैंने ये सोचा यार ये इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने बड़े, इनका 2.5 लाख आ रहा है, चलो मेरा 25,000 तो आ ही जाएगा। राइट मैंने ऐसा सोचा। और जब मेरा 48,000 का चेक आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा नहीं यहाँ तो बहुत कुछ आ सकता है। और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया और मैं आगे चलता गया। लेकिन एक कुछ चीजें जो मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप फॉरएवर करना चाहते हैं तो क्यों करें? नंबर वन, ये मेरी देखिए दिस इज नॉट, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। आप ये बताइए क्या AC में सोने का हक सिर्फ अमीर लोगों को है? गाड़ी में घूमने का, 5-star होटल्स में जाने का, अच्छे स्कूल में पढ़ने का सिर्फ चंद बच्चों को हक है? तो ये डिफरेंस लाता कौन है? अगर आपको काम करना है ना तो इसलिए करो कि आप अपने माँ बाप को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सको, अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूलिंग दे सको, उनकी कोई ऐसी नीड ना हो जो आप पूरी ना कर सको, आपके घर की कोई ऐसी जिम्मेवारी ना हो जो आप पर भारी पड़े। और अल्टीमेटली कहूं, अगर आप फॉरएवर बिजनेस में काम करोगे तो 1-2 साल में ऐसी पोजीशन आएगी जब महंगाई आप पर नहीं, आप महंगाई पर हावी हो जाओगे। राइट और मेरे को, मैंने जब मैं मैनेजर बना तो मैंने गाड़ी खरीदी थी ऑल्टो, उस वक्त कार प्लान मेरा 1.5 साल बाद हुआ था, पर इनकम अच्छी थी तो मैंने गाड़ी खरीद ली। पर मुझे उस दिन ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, ज्यादा खुशी उस दिन मुझे हुई मैंने अपने फादर को बोला आपको जो गाड़ी पसंद है वो खरीद लो। और फिर गाड़ी घर में थी तो वो बोले नहीं एक गाड़ी है इसी को चलाना, मैं कहा नहीं आप कुछ और लो। अल्टीमेटली जब मैं पीछे पड़ा तो वो कहले अच्छा चल मोटरसाइकिल ले लेता हूं। मैंने बोला आप जो पसंद है बोलो, पर वो नहीं माने, गए और मैंने हार्ड कैश पेमेंट किया। जबकि जब मैं बैंक में था मेरी खुद के पास बाइक थी, उसकी 1750 रुपए की किस्त जाती थी और 7 चेक बाउंस हो चुके थे। मैं अपनी मोटरसाइकिल को घर से दूर खड़ा करता था, उठाने वाले आ जाते ना तो दूर खड़ा करता था। जब मैंने फादर के लिए वो पेमेंट करी ना तो अंदर से बहुत खुशी मिली मुझे। आज जब मैं उनके लिए सब कुछ करता हूं मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जब शादी हुई ना तो पहला महीना था जब मेरा चेक 1 लाख क्रॉस करा। राइट दूसरी खुशी इस बात की है कि जब मेरी बेटी हुई ना उससे 1 महीने पहले ही मैंने गाड़ी ले ली। राइट जब उसका स्कूल में एडमिशन कराने गया तो मैंने सिर्फ वाइफ से ये पूछा कौन से स्कूल में कराना है, चॉइस उसकी थी। मैंने चेक काटा, अभी उसे ना फीस के लिए मुझसे पूछना नहीं पड़ता, चेक पहले से साइन करे होते हैं वो अपने आप
पेमेंट मुझे नहीं पता होता कब चेक लग रहा है, कब अकाउंट में से ट्रांसफर होगा। दूसरा, अभी मेरी जब बेटी हुई थी तो मैंने एक महीना छुट्टी करी, एक महीना, तो उस एक महीने का चेक जो था वो 90,000 आया था एक महीना छुट्टी करने के बाद। बहुत खुशी मिली। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं पर क्या ये सारी चीजें उन्हें हासिल हो पाती है? नहीं हो पाते, एंजॉय नहीं कर पाते, उनके पास अपने लिए भी समय नहीं है, बच्चों के लिए भी समय नहीं है। और मैं तो देखता हूं बाहर जितने बिजनेसमैन हैं उनको फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं बहुत सारे, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, है ना। लाइफस्टाइल तो है ही नहीं, जब खा सकते थे तब पैसा नहीं था, जब पैसा आया तब खा नहीं सकते, प्रॉब्लम। तो आप सिर्फ मैनेजर बनने के लिए काम ना करें, बल्कि मैं चार लाइनों में इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। व्हाट इज एफएलपी? जो दूसरों के लिए गम हो वो खुशी क्या है, फिर उसके वास्ते कायनात भी क्या है, दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, और किसी के काम ना आ सके तो जिंदगी क्या है, राइट? और फॉरएवर में जब आप आते हैं ना तो आप अपने नहीं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करते आपकी वजह, और आप, आपको दिल से इतनी खुशी मिलेगी। महात्मा बुद्ध की मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आई आस्क गॉड फॉर पीस, मैंने गॉड से पीस के लिए पूछा, शांति के लिए पूछा, और उन्होंने मुझे बोला दूसरों की मदद करो, और मैं कहता हूं फॉरएवर 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 करो, राइट? तो जिस दिन आपको ये वाई क्लियर हो गया ना कि एफएलपी से मुझे क्या मिल सकता है, आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म हो। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और अभी जो मेरे अंदर फीलिंग होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी शांति मिलती है, पैसे से भी और टाइम से भी, हर चीज की फ्रीडम है मेरे पास। और सबसे बड़ी चीज, आज मुझे फॉरएवर ने एक आइडेंटिटी दी है, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं सभी लोगों को जो स्टाफ से हैं, अमर जी सर और निकिता मैम, सारे स्टाफ, कि मैं जब पहली मीटिंग लेने गया था दिल्ली ऑफिस में तो मिस्टर भटनागर वाज माई अपलाइन, वाज नहीं सॉरी अभी भी अपलाइन है, तो उनका मैंने मीटिंग लिया, वो बोर्ड पे बिजनेस प्लान समझा रहे थे, मैं पीछे खड़ा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी वहां पे, और मुझे उस दिन पता नहीं था कि ये कंपनी मुझे यहां खड़ा होने का भी मौका देगी। तो थैंक्स टू रॉयल सर जिन्होंने आइडिया दिया, और एफएलपी के लिए, एफएलपी आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, आपको डिसाइड करना है, राइट? अभी हाउ टू टेक स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे शुरुआत करनी है। अभी चैलेंजेस, अच्छा मैं अगेन उन लोगों से चाहूंगा हाथ खड़ा करें जिनके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, जो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे जितना वो चाहते हैं, राइट? और मैं कोशिश करूंगा कि इस मीटिंग खत्म होने तक आपके सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, और चैलेंजेस खत्म हो गए तो क्या हो गया, मजा आएगा काम करने में, ओके? तो मैं आपसे ये चाहता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं। एनीबॉडी? यस प्लीज। ओ, महंगे बहुत हैं। सेकंड? टाइम नहीं आने का। तीसरा? एक बार ले भी लिया तो बहुत बार लेना पड़ेगा और मांगे पड़ेगा। क्या बार बार लेना पड़ेगा, है ना? ओके। नंबर फोर? चेन? क्या चेन बनानी पड़ेगी? हैं? यही है? ओके। फाइव? ओके, टाइम देते हैं पर आते नहीं है। एनीबॉडी? पैसे कब तक आएंगे? लोग समझते ही नहीं। देखो ये जो आपका चैलेंज है ना, ये आज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। है ना? हाउ टू कन्विंस?
एनीबॉडी? ओके, विदेशी कंपनी है, ओके। ऐसे बिजनेस बहुत हमने देखा है, बहुत देखा है, मुझे सब आता है। हैं? एनी अदर? गारंटी किस बात की? ओके, एनी अदर चैलेंज? ये इसमें कवर हो जाएगा, गारंटी है ना, विश्वास नहीं है। यस 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 प्लीज। ओ डॉक्टर साहब, वेरी गुड। एनी अदर चैलेंज? देखो आपको सीरियसली बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको, और अभी ये सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं मैं। गिनती करके देखो ये कितने हैं और हम कितने, हम कितने हैं? अगर मिलके भी सुलझाओगे तो आज ही निपटारा हो जाएगा एक घंटे में। आज के बाद तो काम सही होगा। ओके, बड़े लोगों का ही बिजनेस है, बड़े लोगों का बिजनेस है, हम ले नहीं सकते इतना ज्यादा। ये कुछ लोग सोच रहे हैं सर आज मौका दे रहे हैं, इनका बैंड बजा दो, 2cc भी 4cc भी। 2cc कैसे करें? ऊपर के लोगों को बहुत मिलता है। ओके, देखिए मैं ना कुछ चैलेंजेस लिख कर लाया था, राइट? नंबर वन, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, सही है। सेकंड, बाजार में तो 200 रुपए में मिल जाता है। हाँ अभी, हाँ ये ज्यादा लोग तो वही खरीदते हैं, मेरे तो घर के बाहर ही लगा है, हम तो ताजा खाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है तो ऐड क्यों नहीं करती? ये भी है मैडम वो। फिर वो पूछते हैं ये वैसा ही है ना जैसी वो कंपनी है, वो नाम नहीं बताऊंगा मैं। लोगों को जोड़ो कैसे, कोई मानता ही नहीं है। फिर उसके बाद जिनको जोड़ा था वो काम ही नहीं कर रहे। और कुछ बचा है तो बोलो। आज मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया। बचा है और कुछ? ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट सुनाता हूं। जब मैं बैंक में खाते खोलता था तो मेरे कस्टमर थे, मेरी एक आदत थी जहां तक हो सकता था ना मैं सच बता देता ताकि कल को मेरा रिलेशन खराब ना हो। वो ये ना कहे मुझे धोखा दे दिया। तो दूसरे जब बैंक के एग्जीक्यूटिव जाते थे वहां पर तो वो झूठ बोलते थे, ये फ्री है, वो फ्री है, इंश्योरेंस में ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, सब झूठ है, मैंने एक एक पॉलिसी पढ़ी हुई है, राइट? और मैं जब जाता था तो मैं जाते ही सबसे पहले कस्टमर को ये बताता था, अरे वो जो बता के गए हैं वो तो सब झूठ है, ये देखो, सारे चिट्ठे खोल देता था, है ना। वो कहते थे यार ये लड़का बड़ा ईमानदार है। तो ऐसे ही जब मैं FLP में आया तो एक कस्टमर का, जो 2 साल पुराना कस्टमर था, उसका फोन आया, रवि जी एक अकाउंट खुलवाना है। अब उसे तो पता नहीं था कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है सर खुलवा देता हूँ। मैंने बैंक में फोन मिलाया, वहां तो लड़के टारगेट पूरा करने के लिए सारा दिन, पता ही आपको, मैंने फोन मिलाया, एक लड़का वहां पहुंच गया फटाफट, उसने बता दिया होगा कि भाई रवि जी ने तो जॉब छोड़ दी। मैंने सोचा यार कोई मुझे मिल नहीं रहा था, किसको बताऊं। मैंने सोचा यार चलो इसी को बताता हूं, शायद कुछ हो जाए, फोन भी अपने आप आया, हो सकता है भगवान ने इसको खुद बोला हो फोन कर। तो मैं चला गया, जैसे ही मैं पहुंचा, अरे रवि बेटा तूने जॉब छोड़ दी? मैंने कहा हाँ जी सर। अब क्या कर रहा है? मैंने बोला ये तो मतलब की बात आ गई फटाफट। कार्ड निकाला, दे दिया मैंने, और मेरे कार्ड के पीछे लिखा था नो इन्वेस्टमेंट। तो बस ये पढ़ते ही जितना सब आपने बोला उसका 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा उसने बोला। बोला अरे मैं बहुत कर चुका हूँ, ऐसी बहुत कंपनियां आई, 1.5 लाख रुपए डुबा चुका हूँ, 10-15 कंपनियां कर चुका हूँ, बहुत नॉलेज है मुझे, कुछ नहीं रखा इन कंपनियों में, ये आज है कल नहीं है और कुछ नहीं पता, छोड़ दे इसको, बर्बाद हो जाएगा। अब वहां ना 10-12 लोग और बैठे थे, मैं तो ये सोच रहा था कि एक को बताऊंगा ये भी बन जाएंगे सब। मुझे क्या पता था ये एक सबको खराब कर देगा। अब मैं तो ऐसे हो गया लाइक बिल्कुल, मतलब मैंने क्या यार ये तो सब खत्म कर दिया इसने, तो मैं सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा।
अभी जब वो ओवर हो गया तो मैंने पैर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपने तो मेरे आंखें खोल ली, और मैंने कहा आप पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ भाई साहब, अब मुझे कोई और कंपनी बताओ मैं कैसे सक्सेस होऊंगा, नौकरी तो मैंने छोड़ दी, अब मैं करूँ क्या, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैंने कहा मैं ये सोच रहा था कि 50,000 और कहीं से उधार लेके इस बिजनेस में लगा दूं तो और अच्छा चलेगा। अरे नहीं नहीं लगाइयो मत, अभी कितना आ रहा है तुझे? मैंने कहा बोले यही 30-40 हज़ार। हाँ हाँ जो आ रहा है वो रख ले बस, पता नहीं कब तक आएगा। मैंने कहा फिर करूं क्या इसको छोड़ के, ये तो बताओ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ भाई साहब ये कैसे भाग कैसे जाती है कंपनी, मतलब कैसे फंसा देती है? मैंने बोला मैंने तो अभी तक इस कंपनी में कोई पैसा दिया ही नहीं, मतलब फिर भी कैसे फंसाएंगी ये मुझे? मैंने बोला कुछ तो बताओ ये कहाँ की कंपनी है भाई साहब, ये क्या करती है भाई साहब, ये प्रोडक्ट कहाँ बनाती है? बोला यार देख अब इतनी नॉलेज नहीं है हमें, वो थोड़े हरियाणवी थे तो उस टोन में, बोला इतना नॉलेज नहीं है हमें बस। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा सर आप बड़े हैं और मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपने बोला तो जवाब तो देना बनता है। वहाँ 10-12 जो लोग बैठे थे मैंने सबको हाथ हिला के, मैंने कहा भाई साहब आप भी सुनना और जवाब देना। जिस आदमी को किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये कहाँ से है, कैसे है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ बनते हैं, क्या होता है, ABCD भी नहीं पता, वो ये कैसे कह सकता है कि ये अच्छी है या बुरी? कह सकता है? अधिकार है उसे कोई? मैंने बोला मैं आपको बताता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। ये वो कंपनी है जिसे 34 साल हो गए हैं, एक प्रोडक्ट बनाती थी, आज 200 प्रोडक्ट बना रही है, 5 करोड़ से शुरू हुई थी, अभी 13,000 करोड़ का टर्नओवर है, एक शहर से शुरू हुई थी, अभी 150 देशों के अंदर है, राइट? मैंने बोला ये वो आपकी कंपनी में प्रोडक्ट्स के जितने पार्ट्स हैं सब अलग अलग जगह बनते हैं और 70% फायदा सिर्फ आपको होता है। मैंने बोला हमारी कंपनी सारे काम खुद करती है, 70% फायदा हमें होता है, राइट? और जो कंपनी किसी से कुछ मांग नहीं रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, उसको अपने प्रोडक्ट पर कितना फेथ होगा? देन मैंने उसको एक्सप्लेन किया व्हाट इज एलोवेरा। जैसे ही मैंने एक्सप्लेन किया बोलता है अच्छा चल 2 बोतल दे के जा फिर देखेंगे। मैंने बोला ऐसे नहीं मिलती। बोला फिर कैसे मिलेंगे? फॉर्म भरना पड़ता है 25 रुपए का। फॉर्म भर दिया, साइन हो गया। यू कांट बिलीव कि लाइफ में पहली बार मेरे लिए किसी ने तालियां बजाई। वो जो 10-12 लोग बैठे थे ना वो खड़े होकर ताली बजा रहे थे। इट डिपेंड्स ऑन यू। पता है ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को विश्वास नहीं है खुद पर, नंबर वन। देखिए नॉलेज होना ही का, कुछ लोग बोलते हैं ना हाँ हाँ मुझे सब पता है। लैपटॉप कितने लोगों को पता है? लैपटॉप कोई ऐसा नहीं पता लैपटॉप क्या होता है, पर क्या चलाना सबको आता है? सब इंजीनियर हैं उसके, राइट? तो सिर्फ नॉलेज का होना ही काफी नहीं है। आप भी जब FLP के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जान जाते हो तो दैट मतलब वो इनफ नहीं है बिजनेस करने के लिए, राइट? नॉलेज से आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा विश्वास पैदा होता है, फिर आप यूज करते हैं, फिर और विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है आपको अपने अंदर। जिस दिन वो विश्वास आस्था में बदल जाता है उस दिन सक्सेस आती है। और व्हाट आस्था से क्या मतलब है? आप चैलेंजेस सभी के पास आते हैं। अच्छा आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं, ओके। दिन में कितने घंटे मानते हैं? 1 घंटे 2 घंटे 4 या 6? ऑफिस में मानते हैं या घर पे मानते हैं? बाथरूम में मानते हैं या छत पे मानते हैं? कहीं देखा आपने भगवान को? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। भगवान है कहां? गारंटी है क्या? कहां है भगवान? जिस दिन आप ये मानने लगोगे ना कि मैं सक्सेस होऊंगा, जिस दिन आपकी आस्था बन जाएगी, जिस दिन 24 घंटे आप ये सोचने लगोगे कि मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सक्सेस होने से, राइट? तो सबसे पहली चीज कि आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग्स अटेंड करो, प्रोडक्ट यूज करो, सीनियर की बात मानो। पर होता पता है क्या है, एक मीटिंग अटेंड करी, घर गए और सीनियर को फोन मिलाया, सर एक बड़ा अच्छा पेशेंट मिला है, इसकी दोनों किडनियां खराब है। है ना? समझा तो कुछ है नहीं, पेशेंट ढूंढ लिया। बोले तो पेशेंट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली वो जो लाइन शुरू में सुनाई थी ना मराठी में, वो इसी में लिखी थी तो बंद करना भूल गया।
राइट चैलेंजेस, आपको विश्वास क्यों नहीं है? मैंने शुरू शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे एक टीम में मिस्टर रामा करके एक पर्सन थे, वो ज्वाइन हुए और उन्होंने एक और पर्सन को ज्वाइन कराया। जब वो ज्वाइन हुए तो बड़े एक्साइटेड, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। जब उनको मैं कार प्लान बताता था तो वो तालियां बजाते थे, मुझे अंदर से डर लग रहा होता था ये कुछ कर तो नहीं देंगे। एक दिन उनका फोन आया, सर आप कहां पे हो, जल्दी आ जाओ। मैंने बोला क्या हो गया? बोले जल्दी आ जाओ, यहां 300 पेशेंट हैं। मैंने पूछा हो कहां पे, बोले हिंदू राव हॉस्पिटल में। मैं फटाफट गाड़ी घुमाई, मैंने बोला भाई बाहर आ जाओ जल्दी, किसी ने देखा तो नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा बाहर आ जाओ। तो अभी क्या है, देखो इतनी नॉलेज से काम नहीं चलेगा ना। माना आपको पता लग गया पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा है, बट इनफ नहीं है, क्योंकि ये एक जेन्युइन बिजनेस है, ये कोई स्कीम तो है नहीं। जो कंपनियां स्कीम बनाती है ना, एक एक दिन में वो करोड़पति बना देती है लोगों को, फिर वो एक दिन में रोड पे भी आ जाते हैं। मैं एक पर्सन से आज भी लोग, कई लोग आते हैं मेरे पास, सर वो वाली कंपनी कर लो, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप इसमें ज्वाइन हो जाओ। तो एक दिन मैं एक ऐसे पर्सन से मिला जिसने एक दूसरी कंपनी में करीब 6 महीने में करीब 4 करोड़ रुपए कमाए। कैसा है, अच्छी इनकम है नहीं? सपोज इमेजिन करके देखो, वो पर्सन आप हो, 6 महीने में 4 करोड़, कैसा फील होगा? ईमानदारी से बोलना है, ईमानदारी से। अच्छा होगा या नहीं? फिर मुझे बाद में उसने बताया वो पिछले 4 साल से जेल में, अभी अच्छा फील होगा या नहीं? समझ गए, जेन्युइन कंपनी के साथ जुड़ने से क्या होता है, और जो कंपनियां जेन्युइन नहीं है उनके साथ जुड़ने से क्या होता है? भले ही आपने 10 साल में 10 करोड़ कमा लिया हो, पर आप 1 सेकंड में रोड पे आ सकते हैं। फॉरएवर वो बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये गिरने वाला नहीं है, राइट? अभी बात करते हैं, प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे येलो बॉटल कोई देखता है बोला हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, फिर वो सबसे पहले नजर कहां जाती है घूम फिर के, पर्ची में, है ना? है कितने का? 935। ओ नहीं नहीं लूट रहे हो आप लोग, तो बाहर तो 200 रुपए का मिल रहा है। आप कभी ना दिल्ली के आगे करनाल बाईपास है उसके आगे जाओगे, जितने भी ढाबे हैं वहां पे हर ढाबे पे एक अलग ब्रांड का एलोवेरा रखा हुआ है, कोई 50 का, कोई 100 का। पहले वो अंदर गंदा खाना खिलाते हैं, फिर बाहर आके कहते हैं पेट साफ कर लो, है ना? अभी इतने सारे एलोवेरा हैं कि सबसे बड़ा, और हमारा प्रोडक्ट यकीनन महंगा है। अच्छा इमेजिन करो, मैं आपके घर एक बॉटल लेके आता और आपको बोलता कि सर मैडम ये बॉटल जो है 10,000 रुपीज़ की है 1 लीटर, और ये आपके पेट को बहुत अच्छा बना देगी, आप इसे लेके देखें, आप लेते या नहीं? ईमानदारी से बोलना है, नहीं ना? आप मेरी फोटो बाहर ही टांग लेते जहां कुत्ता बांधते ना, बोलते दोबारा आए तो घुसने मत देना, है ना? 10,000 रुपये। अच्छा आपको याद है भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा था, क्यों, क्या पिया था उन्होंने? जहर के बाद एक और चीज निकली थी वहां से। इमेजिन करके देखो, वो जो अमृत निकला था, भविष्यवाणी हुई कि वो जो आपके घर रवि पांडे आया था बॉटल लेके, उसी बॉटल में था। अब क्या करेंगे, अभी लेंगे या नहीं? अभी ढूंढने जाएंगे आप, अभी फोटो अखबार में छपवाएंगे। अब मैं मिल भी गया तो मैं 10,000 में दे दूंगा, है ना? अब मुझे ये बताओ कि आपको बॉटल पीनी है या बॉटल के अंदर वाली चीज पीनी है? क्या आपने जानने की कोशिश करी कि 900 रुपए में कंपनी क्या दे रही है? 90 लाख रुपए की चीज दे रही है 900 रुपए में, मैं गारंटी करता हूं उस बात की। और मैं तो यह कहूंगा वो अनमोल है, पता है क्यों? मैंने बहुत से लोगों की जिंदगी बचते हुए देखी है इस एलोवेरा जेल से, राइट? उसकी कीमत क्या लगाओगे आप? अभी महंगे पे सवाल जब आता है, यह क्वेश्चन दिल्ली ऑफिस में भी मुझसे किसी ने किया था, और हमारे सीनियर बहुत सारे यूएसए जाते हैं तो बड़ी इंफॉर्मेशन वहां की हमसे शेयर करते हैं। आप लोगों को पता है कि यूएस में एक बॉटल का रेट कितना है, पानी की बॉटल का, पानी की बॉटल का $3, एम आई राइट सर? $3 रेट है वहां पे। $3 कितने के होते हैं? 150 रुपए के। उसमें 150 रुपए का सिर्फ पानी होता है या काफी चीजों की कॉस्टिंग ऐड होती है? बॉटल की कॉस्ट ऐड नहीं होती उसमें, प्रिंटिंग की, लोडिंग की, अनलोडिंग की, ढक्कन की, मैन्युफैक्चरिंग की, लेबर की, राइट? अभी आप मुझे सिंपली ये जवाब दो कि एक एलोवेरा का पौधा
अगर उगाया जाए तो कितने समय में पकता है? और जो सबसे बेस्ट वाला बारबाडेंसिस मिलर, वो कितने समय में पकता है? 4 साल। ओके, एक पौधा कितने का आता है? 50 रुपए, 100 रुपए आ जाएगा सबसे अच्छा वाला? कितने का आएगा आप बताओ? सपोज करो आपको एलोवेरा का बिजनेस शुरू करना है, कितने का आ जाएगा सबसे अच्छा पौधा? 200 रुपए का आ गया। चलो ओके, अब 200 रुपए का पौधा जब कंपनी उगाएगी तो जाहिर सी बात है कि 4 साल उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी। तो वो जो 4 साल उसकी देखरेख करेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी पर डे? पर डे एक दिन का सैलरी कैलकुलेट करेंगे या नहीं? ओके, उसके बाद कंपनी वहां एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है टोटल, पता है आपको, नॉन पोल्यूटेड जोन में सारा काम होता है। उसकी कॉस्टिंग ऐड होगी या नहीं होगी? ओके, उसके बाद कंपनी बॉटल बनाती है, ढक्कन भी बनाती है, प्रिंटिंग भी करती है, क्या कॉस्टिंग होगी उसकी? फैक्ट्री भी है कंपनी के पास, मशीनें भी हैं कंपनी के पास, लेबर भी है कंपनी के पास, ऑफिस भी है कंपनी के पास, बहुत सारे वर्कर भी हैं, बोट और कंटेनर्स भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी हैं, रजिस्ट्रेशंस भी हैं, यहां पर ऑफिस भी है, स्टाफ भी है, सारा कुछ ऐड करने के बाद इमेजिन करो ये फैक्ट्री आपकी होती तो आप ये बॉटल कितने रुपए में बेचते? 3000। आंसर मिला या नहीं? तो इनके लिए तालियां बजाओ एक बार। और एक और चीज बताता हूं उसके बारे में, टमाटर कितने लोग खाते हैं? टमाटर, टोमेटो सभी खाते हैं। ओके, इमेजिन करके देखो, आपके घर के बाहर एक बड़ा सा नाला है, उसके किनारे टमाटर लगे हुए हैं, खाओगे या नहीं? वाई? टमाटर में कोई खराबी होती है? नहीं होती। तो फिर आप खा क्यों नहीं रहे? पानी तो बाहर है, अंदर थोड़ी है। गंदगी तो बाहर है ना, टमाटर के अंदर थोड़ी है। पता क्यों? हर पौधे को सोर्स ऑफ डाइट, और उसका सोर्स क्या है? नाला। तो जाहिर सी बात है उसको डाइट गंदी मिल रही है, इसका मतलब उसमें गुण भी जो है वो हो ना हो पता नहीं, और अवगुण जरूर हो सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप जैसे सेब खाते हो, एप्पल, अगर मैं आपको 2 एप्पल ऑफर करूं, एक एमपी का एक कश्मीर का, तो पहले कौन सा खाएंगे? वाय, अच्छा होता है। पता है क्यों? एमपी के 10 एप्पल खा लो, कश्मीर का 1 खा लो, बराबर है। मतलब उसमें ज्यादा वैल्यूज है, ज्यादा विटामिन है उसके अंदर, बॉडी को अच्छा फायदा करेगा वो, राइट। अभी चावल एक ही तरह के होता है कई तरह के? दाल, हर चीज की वैरायटीज होती हैं। अभी 300 तरह के एलोवेरा में से आपके घर के बाहर कौन सा लगा है आपको पता है क्या? अब सपोज करो जो 11 पॉइजनस होती हैं वही वाला घर के बाहर लगा है, अगर खा लिया तो क्या होगा? अभी कुछ लोग बोलते हैं, देखो मैं तो 1 साल से खा रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैं उनको बोलता हूं 1 साल और रुक जाओ, हो जाएगा तब आ जाना। बॉम्बे में ही एक मैंने न्यूज में पढ़ा था, किसी ने एलोवेरा खा के कुछ पॉइजन हो गया था उसको, न्यूज में आया था ये। एक साइंटिस्ट की डेथ हुई थी आपको याद होगा, जिसने लौकी का जूस पिया था। मुझे शौक इस बात से नहीं लगा उसकी डेथ हो गई, शौक इस बात से लगा वो साइंटिस्ट था, उसको सारी नॉलेज थी पौधों के बारे में, सब्जियों के बारे में, कई दवाइयां पेटेंट कराई हैं उसने इंडिया की। वो आदमी मर गया लौकी खाने से। पता है क्यों? प्रॉब्लम लौकी में नहीं थी, प्रॉब्लम कहां थी? जो उसमें इंजेक्शन लगाया था। सोर्स ऑफ डाइट में प्रॉब्लम थी, कहां उगा था वो? ठीक है, अभी हर पौधे को डाइट कहां से मिलती है? धूप से, मिट्टी से, पानी से। एलोवेरा एक अलग ही चीज है, इसको हवा से मिलती है। अब कुछ लोग कहते हैं मेरे घर के बाहर तो साफ हवा है, ओजोन की परत ऊपर फट गई पर मेरे घर के बाहर साफ हवा है ना? कितना पोल्यूशन में जी रहे हम लोग। अभी सारा दिन वो पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? पोल्यूशन। और आप सुबह उठ के ताजा ताजा खाली पेट, फिर जहर खाने की क्या जरूरत है? और अगर यहां कोई मेडिकल फील्ड से हो, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है पर मैंने सुना है डॉक्टरों से, क्या ट्यूमर 1 दिन में होता है? कैंसर 1 दिन में होता है? कोई भी बीमारी 1 दिन में होती है? तो क्या गारंटी कि जो आप वो घर के बाहर खा रहे हो लगा हुआ, 10 साल बाद आपको कैंसर नहीं होगा? और रिसर्च, मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है अगर आपने बचपन में 10 एंटीबायोटिक खाई हुई है तो आपको 30 साल बाद कैंसर हो सकता है, 30 साल बाद। और 30 साल बाद वाली जो जिंदगी होगी ना, उसमें आदमी मौत मांगता है। क्या कौन सा खाएंगे अभी आप, राइट? अभी 300 वैरायटी है, 300 में से सबके गुण अलग हैं, कोई न्यूट्रिशनल, कोई मेडिसिनल,
राइट, अभी आप राजस्थान चले जाओ, दमा के लिए खाते हैं लोग, साउथ में चले जाओ, बालों पे लड़कियां लगाती हैं इसको, राइट, एमपी में जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, बिहार में पकोड़े बनाते हैं, अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग फायदे हैं, चारों को क्रॉस करके खिलाओ, फायदा होगा फिर, वाई, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज हैं, राइट। बारबाडेंसिस मिलर एक ऐसा पौधा होता है जो 100% मेडिसिनल वैल्यू कंटेन करता है, कंपनी उसको ग्रो करती है, वो भी 8,000 acres जमीन में, वो भी नॉन पोल्यूटेड जमीन में, वो भी 3 साल तक, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? उसके बाद जब वो एलोवेरा निकलता है तो स्टेबलाइजेशन। बाजार में एप्पल जूस बहुत सारे आते हैं, इसी में क्यों नहीं डालते, क्यों नहीं डालते, उसमें खराब हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, काटने के बाद आप फ्रिज में रख सकते हो एप्पल को? नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीडाइज होने के बाद खाओगे तो क्या होगा? कुछ होगा, होगा, बहुत कुछ होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पॉइजन हो जाएगा आपको, राइट। फॉर एलोवेरा जो है वो 2 घंटे में ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको स्टेबलाइज कौन करता है पूरी दुनिया में? ओनली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 6 साल खराब नहीं होता ये। अभी जिन लोगों को फ्यूचर की चिंता हो, अब अच्छा सपोज टीवी में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट्स को देखोगे तो 70% एड एलोवेरा के आते हैं, यस और नो? सारी क्रीम में, साबुन में, हर चीज में एलोवेरा आ रहा है, बच्चों की नैपी में, अभी तो लोग चप्पल पे लिख देते हैं एलोवेरा, बोलते हैं पैर अच्छे रहेंगे पहनो, वो भी खरीद लेते हैं लोग, राइट। आप ये बताओ, एलोवेरा की बाढ़ आई हुई है, इसका बिजनेस अगले 20 साल अच्छा होगा या बेकार होगा? अच्छा होगा, राइट। ऐसी बाढ़ में आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा एलोवेरा आ जाए तो आपका फ्यूचर कैसा हो जाएगा? दैट मीन कि आप सही जगह बैठे हो, राइट, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और मैं आपको बता दूं, बरसात होने वाली है पैसों की जो इस कंपनी में है ना, लेकिन याद रखना, भीगेगा वो जो घर के बाहर आएगा, राइट। यू जस्ट हैव टू इन्वॉल्व विथ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सिर्फ इन्वॉल्व होने से ही आपका काम हो जाएगा। अभी महंगे हैं क्या? महंगा तो नहीं है? और प्रोडक्ट्स बताऊं, डीओ कितने लोग लगाते हैं? डीओ, अच्छा, हिंदुस्तान में कितने परसेंट आबादी डीओ यूज करती है? कोई ना कोई किसी कंपनी का 70% करती है। एक डीओ कितने का आता है नॉर्मली? नॉर्मली बाजार आप जाएंगे तो 150 से 250 के बीच में आते हैं, राइट। एक महीने में 2 यूज होते हैं, और इस डीओ को लगाने से क्या होता है, स्किन काली हो जाती है, मोटी हो जाती है, दाने आते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, इवन स्किन कैंसर भी होता है, एम आई राइट और नॉट? और डीओ किस लिए लगाया जाता है? परफ्यूम, वो खुशबू फैलाने के लिए, या फिर पसीने की दुर्गंध को रोकने के लिए? पर अभी लोग किस लिए लगाते हैं? उसकी जो स्मेल आ रही है उसी से खुश हो रहे हैं, पसीना वैसा का वैसा ही है ना। अभी 150 से 250 का जो डीओ है, अगर महीने में 2 लगाएगा आदमी, तो साल में तकरीबन 5,000 से 6,000 रुपए का डीओ इस्तेमाल करता है एक व्यक्ति, एम आई राइट और नॉट? हमारा डीओ कितने का है? तेज बोलो थोड़ा, 250 रुपीज का। 1 साल से पहले खत्म हो तो दूसरा मुझसे फ्री ले लेना। अभी कितने रुपए बच गए बोलो? बाकी का एलोवेरा जेल ले लो। वो बोलेगा, पूछेगा कहां से आएगा पैसा, बोलना यहीं से आएगा, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा डीओ क्या करेगा? नॉन अल्कोहलिक, नॉन केमिकल, 100% प्योर, नेचुरल। अगर आप उसको स्किन पे लगाते हो, छोटे मोटे फोड़े फुंसी, स्किन अच्छी हो जाती है उल्टा आपकी, और बैड बैक्टीरिया को रोक। एलोवेरा की प्रॉपर्टी क्या होती है? डेड सेल्स को बढ़ाता है या हेल्दी सेल्स को? और डेड सेल्स का क्या करता है? सफाई करता है। तो आपके डेड सेल्स निकल रहे हैं, वो जो गंदे बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं वो मर रहे हैं, अच्छे सेल्स को बढ़ा रहा है, स्किन अच्छी हो रही है। अभी कौन सा डीओ लगाना है? सिंपल। पर एक प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहां पे, प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकता? कई बार तो महंगे की वजह से नहीं बिकता, कई बार हमारी गलती से नहीं बिकता। पता क्यों? लोग जाते हैं, सर किसी के पेट में दर्द है सर एलोवेरा जेल पी लो, पैर में दर्द है सर एलोवेरा जेल पी लो, सिर में दर्द है सर एलोवेरा जेल पी लो, पड़ोसी को दर्द है एलोवेरा जेल पी लो, बीवी चिल्लाती है एलोवेरा जेल पी लो। दूसरा प्रोडक्ट हम बताते ही नहीं, बताते हैं? 5 सेक्टर्स हैं हमारे पास। आप एलोवेरा से शुरू करते हो, वो कहता है हाँ हाँ ये तो पता है मुझे। आप रॉयल जेली से शुरू करो, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? आप एलोवेरा जेली से शुरू करो। एक बार मुझे एक पर्सन मिल गया, बोले हमारी कंपनी भी नेचुरल क्रीम बनाती है। मैंने कहा खोलो खा के दिखाओ।
आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिस चीज को आप खा सकते हो उसको लगाना चाहिए। बाजार में ऐसी कोई क्रीम है हमारे पास है या नहीं है? कौन सी खाना चाहते हो? राइट, शैंपू हमारे पास है, बेस्ट है, बेस्ट। और अगर कोई बोले ना प्रोडक्ट महंगे हैं, उससे बोलना 200 में से कोई भी प्रोडक्ट आंख बंद करके ऐसे उठाओ, बोलना इस लेवल का प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ के दिखा दो, कोई भी प्रोडक्ट, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट महंगा क्यों नहीं होगा? अगर भगवान ऊपर आपसे बोलता बेटा एक किडनी 5 लाख की और 2 10 लाख की, तो कितनी लेते? बताओ, एक ही लेते? बोले महंगाई बहुत है सर, एक ही लेते। एक्चुअल में प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमने खुद को सस्ता बना रखा है। मैं लोगों के घर जाता हूं, मार्बल कहां से मंगाया? इटली से, है ना। ये टेबल कहां से मंगवाई? वहां से। और जब मैं उनकी पिक्चर देखता हूं, ऐसा लगता है कि गुब्बारे में गांठ बांधी हुई है, पता नहीं कब थैला गिर जाए। मैं बोलता हूं कभी इस पे भी पॉलिश कर लिया करो, कभी इसको भी नहला लिया करो, है ना। मार्बल साफ करने के लिए 4 नौकर रखे हुए, उनको सैलरी भी दे रहे हैं। ये जो शरीर है ना, ये अगर आप इसको अच्छा रखोगे तो कमाई घटेगी या बढ़ेगी? अगर आप साल का 15,000 का बजट बना लो, 10,000 का, 15,000 का, आप उसके प्रोडक्ट खा लो, आप हेल्दी रहोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। लोग तो बीमार होते हैं, 10,000 में सिर्फ MRI होता है और कुछ नहीं होता, ठीक नहीं होते वो कभी। हाँ, यहां पे आप 10,000 रुपए का अगर एलोवेरा जेल पी लोगे, एक साल में आप बीमार भी नहीं होगे, काम दुगना करोगे, आप चेहरा बदल जाएगा, पड़ोसी पूछेंगे क्या ले रहे हो आजकल, राइट? बोर तो नहीं कर रहा ना मैं? अभी सेकंड चैलेंज हमारे पास क्या है? टाइम नहीं है। टाइम किसके पास है पहले ये बताओ, हैं? ऊपर चित्रगुप्त के पास भी टाइम नहीं है, यमराज के पास भी नहीं है, टाइम किसके पास है? टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपके लिए अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है? किस चीज के लिए आ रहे हो आप यहां पे? आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, क्या मिलने वाला है यहां से आपको। और मैं अभी आज जब फ्लाइट में आ रहा था तो एकदम बादल ही बादल थे आसपास, मुझे ऐसा अच्छा, अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा था कि FLP ने जैसे जमीन से आसमान में पहुंचा दिया मुझे। मेरे पास 50 रुपए नहीं होते थे पेट्रोल डलवाने के, कई बार ऐसी पोजीशन आ जाती थी। और अभी पता नहीं लगता कहां से खर्चे हो जाते हैं, कहां से पैसा आ जाता है, एंजॉय कर रहे हैं। आपको क्लियर होना चाहिए आप ये काम क्यों कर रहे हो आप। और मोटिवेशन, अगर मैं ये मान, मुझे यहां आके पता चला है मोटिवेशन होता क्या है। अगर ये चीज आपके पास है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप फेल हो ही नहीं सकते, आप पॉजिटिव माइंडेड हैं। और आप खुद को मोटिवेट पता है कैसे कर सकते हैं? जब जब आपका बिजनेस ना चले ना, अपने घर जाके अपने बच्चों के चेहरे देखो, अपने माँ बाप के चेहरे देखो, और मन में ये सोचो कि क्या वो ऐसी ही जिंदगी गुजारने के लिए पैदा हुए हैं, या आप उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहते हो। देन यू विल रियलाइज, मोटिवेशन आएगा अंदर से, नहीं मुझे करना है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करना है, राइट? और अभी ज्यादा लोग तो वही पीते हैं। ये बताइए कि ट्रेन में कितने लोग गए? ट्रेन में स्लीपर के डब्बे कितने होते हैं और AC के कितने होते हैं? तो ज्यादा लोग किस में जाते हैं? तो अच्छा कौन सा होता है? अच्छा कौन सा होता है? ज्यादा तो जनरल में जाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। योर चॉइस, आपको जनरल में जाना है, स्लीपर में जाना है या AC में जाना है, आपको खुद की जिंदगी कैसी बनानी है, योर चॉइस। आप खुद मालिक हो अपनी जिंदगी के। और याद रखिए, अगर आप लोगों की बात सुनेंगे ना तो आपकी तकदीर लोग ही लिखने वाले हैं। अपनी तकदीर खुद लिखनी है तो अपने दिल की बात को सुनो, सिर्फ अपने पे भरोसा करो, राइट? और एड क्यों नहीं करती हमारी कंपनी, है ना? अब आपका क्वेश्चन था, स्माइल आ गई एकदम। एक जोक याद आ गया मुझे कि एक बार ऐसे ही मेरे डिस्ट्रीब्यूटर किसी का बिजनेस चल नहीं रहा था, उसने कंप्लेंट कर दी सीनियर से, हो नहीं रहा कुछ, ऐसा है वैसा है। तो अब वो कहाँ चले गए, एक बाबा जी आते हैं टीवी पे, बड़ी कृपा बरसती है। तो वो वहाँ पहुँच गए, बाबा जी बिजनेस नहीं चल रहा मेरा, क्या करूँ? उन्होंने पूछा, रवि पांडे का SMS आता है रोज?
बोले हाँ बाबा जी आता है, बोलते क्या करते हो, बोले डिलीट कर देता हूँ। बोलते मीटिंग में गए नहीं गए कभी, बोले कभी नहीं गया, बोले जाया करो कृपा आ जाएगी। तो कुछ लोग खुद ही कृपा रोक के बैठे होते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। अभी ऐड क्यों नहीं करती, एक और बड़ी अच्छी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। डस्टर हमारे पास, डस्टर ओके साइड में लिखते हैं, अच्छा आप भूल जाएंगे फिर इसको। देखिए किसी भी बड़ी ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएं तो सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है, राइट उसके बाद कौन आता है, जाहिर सी बात है ये बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, प्रोडक्ट को असेंबल कर रहा है, ठीक है, इसका करोड़ों रुपए लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सारे रिस्क इसके हैं। क्या ये घर घर बेचने जा सकता है, नहीं जा सकता। अगर किसी भी बड़ी कंपनी की मैं बात करूं, रिलायंस की, टाटा की, अंबानी की, पेप्सी की, उसका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बनना हो तो कितना पैसा लगता है, करोड़ों रुपए, सवा सौ करोड़ आबादी है, अगर एक एक कोल्ड ड्रिंक भी स्टॉक में रखोगे तो स्टॉक कितने का रखना पड़ेगा, अरबों में लगेगा, राइट, ऑफिस गोदाम सारी चीजें होंगी। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या घर घर बेचने जा सकते हैं, पॉसिबल है। अभी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो फ्रेंचाइजी लेता है, फ्रेंचाइजी के लिए पैसा उसको मिलता है या वो देता है, देता है ना, इसका भी लाखों रुपए लगा हुआ है, राइट। अभी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास बात कहां पे आता है, होलसेलर, ठीक है, होलसेलर जो सदर बाजार में बैठे हैं लोग, इनका भी करोड़ों रुपए की दुकानें होती हैं, स्टॉक होता है। अब इनके पास कौन से लोग आते हैं, रिटेलर। अभी जब रिटेलर की दुकान पर प्रोडक्ट आता है तो पब्लिक को पता होता है कौन सा प्रोडक्ट आया है, नहीं पता होता, तो अब कंपनी एडवर्टाइजमेंट भी करती है। अब ये एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, बड़े बड़े स्टार्स, 200 करोड़ 400 करोड़ उसके लिए चार्ज करते हैं वो लोग, देखा आपने ना टीवी पे। अभी आप कोई ऐसा ऐड बता सकते हो जिसमें जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो बिल्कुल सच हो, होता है कोई, क्रीम लगाओ फॉर मैन गोरे, 7 दिन में गोरे कर देते हैं। मैं ये पूछता हूं नाना पाटेकर को क्यों नहीं देते पहले, पहले हमें बेचने आ गए, पहले अपनी इंडस्ट्री को गोरा कर लो, है ना, अपने बाल ठीक कर लो पहले। आप शाहरुख खान की स्किन देखी होगी आप लोगों ने, है ना, डिहाइड्रेशन हो गया उसको, अभी जल पिया होता तो कम से कम कुछ तो ठीक होता, राइट। अभी एडवर्टाइजमेंट के बाद प्रोडक्ट कहां तक आता है, कस्टमर। अब ये कस्टमर ने एक दिन बोला सर घर आके जरा समझा दो ये कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मिलाया हुआ है, समझाएगा वो बोलेगा लेना है लो नहीं तो आगे जाओ। उस कस्टमर ने कोई कंप्लेंट कर दी, सुनता है कोई, जिसे सारे कष्ट दे दिए जाएं वो कस्टमर, ठीक। अब जब ये कस्टमर, अब यहां पे कोल्ड ड्रिंक बन रहा था 1 रुपए का, यहां आते आते हो गया 20 रुपए का, ठीक है। जब आप 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो 19 रुपए किसको जाते हैं, आपकी जेब में आए हैं कभी, किसकी जेब में जाते हैं, ये इन सारे लोगों की जेब में जाते हैं, इन सबका मार्जिन है ना उसमें। अब जब 20 रुपए में 19 रुपए इनके घर जाएंगे तो अमीर कौन होगा, कस्टमर या ये, यही, राइट। अभी ये बताओ अगर आपको ऐसी इनकम मिले जैसी एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है तो कैसा रहेगा, एक ऐसा लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा, बड़े आदमी की तरह, गाड़ी भी है, बंगला भी है, पैसा भी है, फ्रीडम भी है, अपनी मर्जी से आओ अपनी मर्जी से जाओ, कैसा रहेगा। अगर आप इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए बहुत सारा, लेकिन जब आप FLP में शुरुआत करते हो आप क्या बनते हो, कस्टमर। कुछ लोग दुकान खोलते नहीं है, ग्राहक ढूंढने चले जाते हैं। अभी अभी मीटिंग सुन के आए, घर जाके 2-4 लोगों को बताया, फिर कहते अरे नहीं कोई जुड़ता तो है नहीं, आज ही सुना था आज ही बता दिया सबको। पता है क्या करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। जो करना है अगर वो नहीं किया तो क्या होगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, पर जो नहीं करना अगर वो कर दिया तो खत्म, राइट। तो अभी क्या, पहले नॉलेज लेनी है, पहले आप कस्टमर है, आप प्रोडक्ट यूज करके जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे तो बिजनेस कहां से बढ़ेगा, आपको क्या पता प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और शेयर करता हूं, समय भी हमारा होने वाला है। मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं गली से निकलता था ना, पीछे से आवाजें मारते थे लोग एलोवेरा, मैं देखता था पीछे कोई नहीं होता था,
लोग मजाक उड़ाते थे, मैंने बताना ही बंद कर दिया। जब मैनेजर बना तो मेरा एक दोस्त कोने में ले जाके पूछता है, यार ये तेरी कंपनी में जो चेक आया है 50,000 का, इसके लिए करना क्या पड़ता है? मैंने बोला भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूछ मत, शाम को शक्ल में 12 बज जाते हैं, तेरा काम अच्छा है, सुबह जाओ टिफिन खत्म करो घर आ जाओ। बोला अच्छा। फिर थोड़ी देर में फिर से पूछता है, नहीं नहीं मतलब 50,000 ये जो आए हैं इसके लिए करना क्या पड़ता है, ये समझ नहीं आया। मैंने कहा तू छोड़ना, तेरे पास टाइम ही नहीं है। बोला 50,000 मिलेंगे तो टाइम निकालूंगा ना मैं। अभी मैंने उसको सब कुछ दिखाया घर पे बैठ के, उसने ज्वाइन कर लिया, नेक्स्ट डे जाके 2CC भी कर लिया, मुझे बताया नहीं, 2CC कर लिया। उसके पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, अच्छा वो मुझसे भी अच्छा सेल्समैन है, पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, उनको समझाया, उन्होंने 2 जेल ले लिए। अब 15-20 दिन बाद मैं कहीं बैठा था मीटिंग में, मेरे पास फोन आने लगा मेरे फ्रेंड का, मैंने फोन उठाया तो बोल रहा है, रवि यार वो शर्मा जी को पता नहीं क्या हो गया। मेरा जो अंदर मोटिवेशन था ना, मैंने पूछा क्या हो गया, क्या कर दिया तूने? बोला तू उनके घर चला जा। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे चला जाऊं मैं, अच्छा आप सीनियर था, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैंने बोला अच्छा ठीक है, काम कर उनसे, पूछ क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं जाता हूं, क्योंकि मुझे फेथ था हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे। उसके मोबाइल में फिर फोन आने लगा, बोला यार फिर से फोन आ रहा है, 40 फोन आ चुके तू चला। मैंने कहा फोन तो उठा ले, पूछ तो उनसे क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं जाता हूं। बोला तू होल्ड पे रही हो, मैं कहा मैं होल्ड पे हूं। राइट, अभी जब मैं होल्ड पे था उसने फोन उठाया, शर्मा जी शुरू हो गए, यार सुबह से 40 फोन मिला लिए हैं, फोन नहीं उठाते, पहले तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे आप, ऐसा है वैसा है। बोले सर मैं दिल्ली से बाहर हूं। अब तुम दिल्ली से बाहर चले गए यार। मैंने बोला पूछना क्या हो गया। उसने पूछा सर क्या हो गया, मेरी सिस्टर आई हुई है नैनीताल से, उसको 2 जेल देने हैं, कौन देगा अभी? फोन रख के कहता है रवि यार ऑर्डर आया है। मेरी भी जान में जान आई। मैंने कहा शुक्र है ऑर्डर आया है। फिर उनको क्या बोल रहा है? अब वो बोल रहे कौन देगा, सर मैं गुड़गांव तक तो आ गया हूं, शाम को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया और बिजनेस शुरू कर दिया तो कुछ भी हो सकता है, फिर आप ऐसी फ्लाइट में हो जिसमें पायलट नहीं है। तो यूज जरूर करना है। अभी यूज जब आप करते हो कस्टमर बन गए। राइट, अब मुझे यह बताओ, शाहरुख खान को शर्म नहीं आती ऐड करने में, उसको झिझक नहीं होती, अमिताभ बच्चन को नहीं होती, किसी स्टार को नहीं होती, अगर वही पैसा आपको मिल जाए तो आप 4 लोगों से शेयर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अभी जब आप शेयर करना शुरू कर देते हो तो आप क्या बन जाते हो? एडवर्टाइजमेंट। आपके द्वारा ही तो बिजनेस बढ़ रहा है, हमारे द्वारा ही तो बढ़ रहा है ये बिजनेस, है ना? यही हो रहा है ना 150 देशों में। जब ये बिजनेस हमारे द्वारा बढ़ता है तो वो पैसा किसको आता है? तो कंपनी ने अच्छा किया बुरा किया ऐड ना देके? अब आप बोलो कंपनी ऐड क्यों नहीं देती, ठीक है फिर उनको दे देते हैं, वो 70 करोड़ उनके पास चला जाएगा, फिर साइमन सर सॉरी। अभी समझ गए आप लोग? आप लोग यहां प्रॉफिट शेयर अचीव करोगे, करोड़ों रुपए आएंगे आपको, वहां पे क्या मिलना है आपको? अगर वो एड कंपनी वहां पे किसी और को दे दे तो हमें क्या मिलेगा फिर? फिर मार्केटिंग प्लान में से कंपनी प्रॉफिट शेयर काट देगी। ये प्रॉफिट शेयर है आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, इसी के जरिए आपको प्रॉफिट शेयर मिलता है, वो भी पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर पे, जो काम आपने नहीं भी किया उस पर भी मिल रहा है। राइट, अब उसके बाद आपके पास लोग आते हैं, भाई साहब 2 बोतल हमें भी दे दो, कोई शैंपू मांगता है, कोई जेली मांगता है। जब आप उनको प्रोडक्ट देते हो आप क्या बन जाते हो? अभी कंपनी 21% देती है तो बुरा करती है? किसी ने आपसे प्रोडक्ट मांगा, आपने फॉर्म भर दिया, बोले वहां से ले लो आप। राइट, कंपनी ने आपको 21% भेजा क्योंकि आपकी वजह से बिका। राइट, तो अच्छा किया बुरा किया? राइट, अब रिटेलर, आप बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, जरूरी नहीं है हर आदमी बिजनेस करेगा, पर जरूरी यह भी नहीं है कि हर आदमी नहीं करेगा। राइट, पॉसिबिलिटीज तो दोनों है ना। सपोज आपने 20 लोगों को बताया, 10 लोग यूजर बन गए, 10 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, यूजर 4-4, 5-5 हजार का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, उससे आपको क्या आएगा? 21%। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का मिनिमम टर्नओवर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, 2CC तो होगा, अगर 2 भी नहीं होगा तो वो करने क्या? एक जेल भी, जो आदमी रोजाना काम करेगा उसका पूरे दिन में 1 जेल नहीं बिकेगा, यस और नो? जब 1 जेल बिकेगा तो महीने में 4 CC होंगी या नहीं होंगी? 4 CC उसकी होंगी तो आपके 10 लोगों की 4-4 CC आपकी कितनी हो जाएंगी? आप क्या बन जाओगे? अभी टीम बोनस आ रहा है सबसे, वो 10 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आपके 10 शोरूम है वो। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओगे तो एक शोरूम खोलने में आपको
सब कुछ याद आ जाएगा। आत्मा रोज रात को बाहर निकल के आपसे बात करेगी, बोलेगी ये क्या झंझट ले लिया, समझ गए यहां पे क्या लगा, 25 रुपए फॉर्म भरते जाओ, 10 शोरूम खुल गए, अभी मेरे 1000 शोरूम है पूरे इंडिया में, पैसा कितना लगाया मैंने, हर शोरूम से मुझे इनकम आ रही है, राइट। अभी कुछ लोग आपके नीचे सुपरवाइजर बनेंगे, कोई पटना में, कोई बिहार में, कोई एमपी में, आप क्या बन जाओगे, क्या लगा? अगर एक पोस्ट को एक साल भी दोगे तो मैक्सिमम कितने लगेंगे, अगर एक लेवल को अचीव करने में एक साल भी दोगे तो मैक्सिमम कितने लगेंगे? और मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आपने ये बिजनेस सही ढंग से किया, तन मन धन से, लगन से, ईमानदारी से, सीनियर की बात मान के, तो 3 साल से पहले पहले आपका चेक 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम कुछ डिफरेंस नहीं है, यहां पर मौका सिर्फ चंद लोगों को है, पर हमारे यहां सबको है। बॉम्बे ड्रीमलैंड, सिटी ऑफ ड्रीम्स, है ना, कम से कम 1000 लोग रोज आते हैं, उसमें से कितने लोग स्टार बनते हैं, यहां पे जितने आते हैं सब स्टार बन जाते हैं। बस एक ही बात का ख्याल रखना है, टिके रहना है 2-3 साल। अगर आप ट्रेन से ही उतर जाओगे तो ट्रेन तो आगे चली जाएगी, डेस्टिनेशन तक आप पहुंचेंगे नहीं, वेट ही नहीं करते, राइट। तो पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। अभी सॉर्ट आउट हो रहा है क्या, चेन बनानी पड़ेगी, है ना, चेन, इससे बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार मैं जा रहा था ट्रेन में, तो नया था मैं, साथ में कुछ व्यक्ति बैठे थे, मैंने सोचा यार इनको बताता हूँ, अच्छा मौका है। मेरे बताने से पहले ही दोनों ने डिस्कशन शुरू कर दिया, अरे तुझे पता है वो कंपनी आई थी, वो उसने विकास ने ज्वाइन करी थी, बहुत मारा लोगों ने उसको। मैंने किताब वापस अंदर डाल ली, मैंने कहा मैंने बताया ही नहीं मैं क्या करता हूँ, बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा ये बताओ कि कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो अकेले बिजनेस करता है, जहां लोग जॉब करते हैं क्या वो अकेले जॉब कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए? आप जॉब जब करते हो वो सैलरी आपको तभी मिलती है ना जब आप कंपनी को कुछ कमा के देते हो। अगर 10,000 लोग अपना पैसा कमा के कंपनी को देंगे तो अमीर कौन होगा? अब यू डिसाइड, राइट। अब बात आती है चेन की, बहुत सारी कंपनियां 10 लोग लाओ 2,000 मिलेंगे, 20 लोग लाओ 4,000 मिलेंगे, यहां ऐसा नहीं है। यहां ज्वाइनिंग से पैसा आता है किसी को? नहीं आता, बिजनेस से आता है, जब ये प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा आता है। और जेन्युइन बिजनेस, अगर हम पुराने समय की बात करें तो क्या होता था कि मैं आपको दाल देता हूं आप मुझे चावल दे दो, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। जब हम किसी को कुछ देकर उससे कुछ लेते हैं तो दोनों का गुजारा होता है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। हम क्या किसी से फ्री में कुछ लेते हैं या कुछ देकर कुछ लेते हैं? पर जो कंपनियां बिना दिए ले लेती है ना वो गलत है, वो बिजनेस नहीं है, समझ गए आप? That is why वहां पर सिर्फ चंद लोगों को चेक मिलते हैं, यहां बैठे हर इंसान को चेक आता है। क्यों? क्योंकि ये जब ये प्रोडक्ट बिक रहा है तब आपको पैसा मिल रहा है, इसकी बदौलत इतना टर्नओवर हो रहा है, इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, और जब इतने सारे लोग हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं होंगे, राइट? अब रही बात चेन, दिस इज नॉट ब्लडी चेन सिस्टम, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन इज द राइट वर्ड जो कंपनी जैसा उसमें लिखती है। अगर हम बात करें, आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है? वेरी गुड, उसमें कौन सा सिम डाला है, आइडिया का, एयरटेल का? कितने लोगों के पास है एयरटेल का सिम? किसने बेचा था आपको? फ्रेंड ने बेचा था, फ्रेंड बनाता है वो, सजेस्ट किया था, बेचा किसने था? दुकानदार ने, दुकानदार बनाता है उसको, बनाता कौन है उसको, किसकी कंपनी है वो, हमें मालिक ही नहीं पता कौन है, राइट। अभी देखो बिना आए उसने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसका करोड़ों रुपए लगाया उस डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां पर आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हो, तो आपका कितना पैसा लगता है? कुछ भी नहीं, अपॉर्चुनिटी है, अगर बना सकते हो तो बना लो, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जिसको मैं बता सकता हूं उसको मैं बता लूंगा, आप जितने लोगों को बता सकते हो आप बताओ। कुछ लोग कहते हैं हमें लोग ही नहीं मिलते, अगर हिंदुस्तान में लोग नहीं मिले तो कहां मिलेंगे भाई,
फिर बाहर की दुनिया में तो आप घूम जाओगे जाके, या तो नीचे खड़े हो जाओ, 10 लोग धक्का मार के जाते हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, गुस्सा नहीं करना, अपना कार्ड निकालना, बोलना भाई साहब कभी जरूरत पड़े तो संपर्क करना, थैंक यू, राइट, मिल जाएंगे लोग आपको। और एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आपकी ब्रांचेस हो सकती हैं, आपकी ब्रांच एमपी में हो, आपकी ब्रांच चंडीगढ़ में हो, आपकी ब्रांच राजस्थान में हो, कितनी भी ब्रांचेस खोल सकते हो आप अपने। प्योर डिस्ट्रीब्यूशन, बिना इसके कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, कौन सी कंपनी बेचती है बिना डिस्ट्रीब्यूशन के, बताओ एक का नाम बताओ। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे फिर 100 करोड़ आबादी को। और अगेन वो अपॉर्चुनिटी यहां पर हमारे पास है, दैट इज वाई हम पैसा कमा रहे हैं और टाइम देते हैं पर आते नहीं है, जस्ट कि उन्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं पता मैं क्यों आऊं। आप पहले उसको इंपॉर्टेंस तो बताओ, तब तो वो आने को राजी होगा, राइट। जितने लोग मेरे काम नहीं करते, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, फोन लगाता हूं, हाँ भाई क्या हाल है, क्या बन गया। मैंने कहा यार अच्छा वो तो बाद में बात करेंगे, यार एक मेरे को ना फ्लैट खरीदना है, जरा एक फ्लैट बता गई। थोड़े दिन बाद फिर से फोन करता हूँ, यार एक होंडा सिटी लेनी है, कोई है अपना जानकार है कोई। अभी 4 दिन बाद उसकी लैंग्वेज ही बदल जाती है, और सर कैसे हो। वो कहते ना यू कैन गिव द वर्ल्ड ओनली वन थिंग, रीजन और रिजल्ट, एंड द वर्ल्ड विल रिमेंबर ओनली वन थिंग, रिजल्ट। तो कुछ करके दिखाओ, अपने आप होता चला जाएगा, राइट। और मनी, मनी की जरूरत है यहां पे। आप कितनी जायदाद लेकर आए थे इसके कोई मायने नहीं है, कितनी छोड़ के जाओगे ये डिसाइड करना है आपको। एफएल, अगर मनी यहां पर कोई मैटर करता तो शायद मैं यहां पर ना होता आज। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मुझे पोस्टर फाइल मेरे सीनियर ने ये बोलकर दी थी कि जब मैनेजर बनेगा तो वापस कर देना, और जब मैं मैनेजर बना मैंने लैपटॉप खरीदा, फाइल वापस दे, राइट। दो दो गाड़ियां ले चुका हूं कंपनी से, पुरानी गाड़ी भाई को दे दी, अभी नई स्विफ्ट खरीदी है मैंने, राइट। तो सवाल आपकी समझ का है, हाउ टू कन्विंस। आप किसी को कन्विंस क्यों कर रहे हैं, जस्ट शेयर। अगर आप किसी को बेचने की कोशिश करेंगे वो नहीं खरीदेगा, अगर आप शेयर करेंगे खुशी से, दोस्त बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं, क्या प्रोडक्ट है, राइट। आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सही समय पर सही बात अगर आप करेंगे 100% वो आदमी आपके साथ होगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे दूसरी कंपनीज के, बोलते हैं मेरे नीचे 10,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं। मैंने एक दिन बोला एक काम कर, अभी दोनों जने फोन लगाते हैं, उसका इनकम था 25,000 रुपये। मैंने पूछा इनकम क्या है, बोला 25,000 रुपये, 10,000 लोग। उसने मेरा चेक देखा 2 लाख रुपए का, तो बोलता है आपके नीचे कितने लोग हैं, मैंने बोला 8 लोग। बोला यार इतना पैसा आता है आपकी कंपनी में। वो 10,000 लोग है नहीं एक्चुअल में। मैंने बोला चलो फोन लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं फलानी जगह हूं, आप आ जाओ। मैंने कहा देखते हैं कितने लोग आते हैं। अगर आप फॉरएवर में हो ना तो 10 के 10 आएंगे, लेकिन अगर आप किसी अदर कंपनी में हो ना वो बोलेगा मरने दे, हम क्यों जाएं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, एजुकेशन ही ऐसी, राइट। आप किसी को धोखा देकर उससे हेल्प ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर आपने लोगों को कमा लिया सब कुछ आएगा आपके पास। बहुत देखा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, ये ठीक नहीं होती। और मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात सुनाई थी, आपको सुना देता हूं। बोलते थे दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। 1, एक्सीलेंट, जिन्हें कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्या करना है, वो देखते हैं और समझ जाते हैं क्या करना है, वो 1% होते हैं दुनिया में। 2, इंटेलिजेंट, ये वो लोग होते हैं जिनको एक बार बताओ वो समझ जाते हैं और करने लगते हैं, उनको बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती। 3, वो लोग होते हैं जो आपके घर जाते ही आवाज लगाएंगे, हाँ भाई एलोवेरा क्या बन गए आप। ये 80% होंगे, ये तब जागेंगे जब आपका 1 लाख का चेक होगा, राइट। और 4th जो लोग होते हैं वो इंसान नहीं होते, उनके पास मत जाइए, है ना, समझ गए ना आप कौन होते हैं वो। तो उनके पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर,
मेरे सीनियर थे एक बार, उन्होंने ऐसे ही, वो बाहर गए हुए थे, उन्होंने मुझे बोला रवि किसी का कॉल आया है बेटा, आप चले जाओ जरा मीटिंग देने। मैं चला गया, मुझे नहीं पता था क्या सीन है। वहां पे गया, एक ऑफिस बना हुआ था, उन्होंने बिठा लिया, बोले जी दो तीन लोग आ रहे हैं अभी, बैठ गया मैं। जैसे ही वो दो तीन लोग आए तो उनके साथ एक बच्चा था जो मेंटली रिटायर था और उसकी लार वार बह रही थी, ऐसे झुका हुआ था, कमज़ोर सा था। और आते ही उन्होंने, उसके मम्मी पापा ने पूछा उनसे, भाई साहब से, डॉक्टर साहब नहीं आए? वो बोले ये बैठे। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, ये डॉक्टर हैं? मैंने बोला हाँ जी बताइए क्या है। मैंने कुछ नहीं बोला उनको, उन्होंने कुछ नहीं बोला, रिपोर्ट हाथ में थमा दी। अब मैं ये सोच रहा था इसको पढ़ूं कैसे। मैंने बोला, मैंने रिपोर्ट रखी। अब एक कॉमन सेंस की बात है, जो लोग बीमार होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं या नहीं? मैंने पूछा ये चिड़चिड़े हैं? बोले यस। मैंने बोला ये पेशाब तो नहीं कर देते कभी भी? बोले यस। मैंने बोला ये खाना नहीं खाते ढंग से? बोले यस। बस फिर मैंने प्रोडक्ट लिखा, मैंने कहा ये ले लो, बोले यस। देन मैंने उनको बताया कि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये मेडिसिन नहीं है, राइट? और कोई डॉक्टर तो नहीं बैठे यहां पे कभी? अगर बैठे हो तो सॉरी। कितने प्रतिशत डॉक्टर स्वस्थ हैं हिंदुस्तान में? टेल मी। और आपको अभी लेटेस्ट इंसिडेंट बताता हूं। यूपी में एक मेट्रो हॉस्पिटल है नोएडा के अंदर, यूपी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, राइट? वहां पर मैं प्रोडक्ट्स देता हूं। एक डॉक्टर साहब हैं जिनको मैं 4 साल से फॉलो कर रहा हूं, 3-3 घंटे वेट भी किया उनका वहां बैठ के, बातचीत भी होती है, खाना भी खाते हैं, पर ज्यादा काम नहीं कर रहे, अभी तक AS हैं वो, राइट? एक दिन अचानक उनका फोन आता है, रवि तुम जल्दी आ जाओ यार, और जल की एक पेटी लेते आना। मैंने बोला आज क्या हो गया इनको? मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या बात हो गई? बोले यार जल्दी आ जाओ, बस तुमसे मिलना है। बोले यार मैंने अभी रिपोर्ट कराई, शुगर निकल आई मुझे, क्या लूं मैं? मुझे हंसी आ गई। मेरे साथ कोई पर्सन बैठे थे गाड़ी में, बोले क्या हो गया सर? मैंने कहा एक डॉक्टर साहब का फोन आया, पूछ रहे क्या दवाई लूं। डॉक्टर हम नहीं है, डॉक्टर तो प्रोडक्ट है हमारा, राइट? और आप करोड़ों रुपए लगा के अच्छी दवाई खरीद सकते हो, अच्छा दूध ला सकते हो आप, अच्छा पानी ला सकते हो, अच्छी दाल ला सकते हो, अच्छे फल ला सकते हो। वी आर द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड, राइट? हमारे पास है वो, इसको लेके आप स्वस्थ हो सकते हो। आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? तो अभी जवाब मिल गया ना? पर कई लोग फिर भी फोन कर देते हैं डॉक्टर साहब पर, मैं उनको बोलता हूं हम डॉक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। बड़े लोगों का बिजनेस है, जो लोग बड़े बनना चाहते हैं ये उनका बिजनेस है, राइट? आपके और मेरे लिए, समझ गए आप? जो बड़े बनना चाहते हैं उनका बिजनेस है ये। और मैं तो कहता हूं ये इस बिजनेस में वही लोग आएंगे जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो ना, यार आधे लोग बजाते हैं तो ऐसा लगता है पेमेंट देके बिठा रखा है, बजाना है तो ढंग से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ, मेरे को डर लग जाता। Yes. तो क्या बोल रहा था मैं, भूल ही गया, देखो तालियों के चक्कर। हाँ, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति हैं, टेंट का काम है उनका, और काफ़ी केसेस भी चल रहे हैं उनके ऊपर, मर्डर के, इसके उसके, बहुत सारे ऐसे काम हैं, मतलब बदनाम है वो कॉलोनी में। एक दिन फादर से मुलाकात हो गई, उनको BP भी है, थायराइड भी है, पता नहीं क्या क्या है। पापा ने बोला भाई मेरे बेटे से मिल लो आप, और अच्छी चीज़ें आप खा के देखो। पापा ले आए उसको, मैंने पापा से बोला ये नहीं लेंगे, आप कुछ भी कर लो। बोले नहीं नहीं ये तो तैयार है लेने के लिए। मैंने कहा ये ले लेंगे पर ये खा नहीं पाएंगे। बोले नहीं नहीं आप ऑफिस। मैंने कहा ठीक है मैं दिलवा देता हूँ। मैंने उनको ऑफिस ले गया, फॉर्म भरवाया, प्रोडक्ट दिलवा दिया, वापस आ गए घर। 3 दिन बाद पापा बैठे थे, उनका बेटा आया प्रोडक्ट लेकर थैली में। बोला अंकल ये पापा ले नहीं रहे, ये आप वापस ले लो। पापा मेरे पास आए, कह रहे यार जैसा बता रहा था तू वैसे ही हुआ, प्रोडक्ट तो लिए नहीं उन्होंने। मैंने कहा मैंने आपको क्या बोला था? यकीन मानिए आप सबने कोई ना कोई अच्छा काम जरूर किया है, इसलिए आप बैठे हैं, राइट? और 100% यहां बैठा हर आदमी सक्सेस होगा, 100%। सिर्फ मानना शुरू कर दो आज से ही मैं सक्सेस होऊंगा, राइट? 2 CC कैसे करें? कितने लोग चाहते हैं मेरी हर महीने 10 CC सेल्फ हो? सेल्फ 2 CC को छोड़ो, जब 10 होगी तो 2 तो हो ही जाएगी। टारगेट जब सोचना ही है तो थोड़ा बड़ा सोच लो,
है ना, टू पे ही अटके रहेंगे तो डेढ़ हो जाएगी, पौने दो हो जाएगी, फिर अटक गए। तो 10 का टारगेट बनाओ। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकता नहीं है? कोई ऐसा प्रोडक्ट? ज्यादा अगर आप कभी काउंट करेंगे तो आप मुश्किल से 10 प्रोडक्ट बेचते होंगे, पर हमारे पास 100 है। सबसे पहले क्या करो, 2 सीसी का प्रोडक्ट घर में खोल दो, हर महीने 2 सीसी होंगी आपकी, राइट? और आप में से कितने लोग रोजाना ब्रश करते हैं? गलत सवाल, सॉरी। सबके स्माइल से पता लग रहा है, ओके। अच्छा ये बताओ, जो कंपनियां टूथपेस्ट बेचती हैं उनका टर्नओवर कितना है हिंदुस्तान में, और कौन सा ऐसा टूथपेस्ट है जो मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता फिर भी बिकते हैं? तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा? मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करवाया है और मैंने देखा है कि 15-15 दिन में उनका पायरिया ठीक हो गया, उनकी ब्लीडिंग आनी बंद हो गई, उनकी बदबू आनी बंद हो गई। और एक लड़के ने तो गजब ही कर दिया, मीटिंग में आया, मैंने पूछा भाई किसी को कोई फायदा हुआ हो तो शेयर कर लो, बोला हाँ सर मुझे हुआ, मैंने बुला लिया। जब वो आया तो बोलता है कि सर मुझे ना, मैंने पेस्ट लिया, मेरे दांतों में आराम आया, फिर मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने कहा यार ये समझ नहीं आया, मैंने कहा फिर से बताओ। बोला पहले मैंने पेस्ट लगाया, दांतों में बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे बहुत फायदा हुआ। ये समझ नहीं आ रहा यार। मैंने बोला बताओ तो सही क्या फायदा हो गया, बोला मेरा पाइल्स ठीक हो गया। दैट वॉज द बिगेस्ट जोक अभी मैं, मतलब मुझे हैरानी हो गई। बोला हाँ सर मैं लगाता था और उससे लगाते लगाते ठीक हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने बोला देखो लगाया कहीं और था, असर कहीं हो। बड़े गजब गजब के रिजल्ट देखे हैं मैंने। ट्रेन में एक लेडी थी, उसको ना चक्कर आ गए, उनको कुछ लेडीज प्रॉब्लम थी और वो लड़की बाहर आके गिर गई और जहाँ अटेंडेंट की सीट होती है वहाँ लेट गई। उसको मैंने पेस्ट माथे पे लगा दिया, 10 मिनट बाद कहती है मैं बिल्कुल फिट हूँ, सिर दर्द ठीक हो गया मेरा। बहुत बार मैंने बच्चों को ट्रेन में घोल के पिलाया, उल्टी आ रहे हैं, दस्त आ रहे हैं, वो ठीक हो जाए, प्रॉब्लम उनको अच्छा लगता है। और कितने लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे बैठे फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल? आप मुझे सिर्फ एक जवाब दो ईमानदारी से कि क्या अब आप इसको छोड़ सकते हो? जब आप नहीं छोड़ सकते तो बाकी लोग कैसे छोड़ देंगे? पर एक बार करवाओ तो सही। प्रॉब्लम यह है कि हम बंद रखते हैं उसको, नहीं नहीं महंगा बहुत है। अरे खोल दो, जो भी घर आए ना उसको ब्रश किए बिना जाने मत दो। बदबू नहीं भी आ रही ना उससे तो ऐसे हाथ रख लो। वो पूछेगा क्या हो गया, बोला सर आप ब्रश नहीं करते क्या? बोला करता तो हूं, आओ स्मेल आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। नहीं मुझे तो आ रही है। बोलना एक बार ये वाला करके देखो। अब जैसे उसने कर लिया फिर वो क्या करेगा, छोड़ तो सकता नहीं। अब अगर पूरा बॉम्बे एक पेस्ट भी करने लग गया तो सारे करोड़पति होने वाले हो आप, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। अभी ना बहुत सारी चीजें मैं लिख के तो लाया था, सुना नहीं पाया, टाइम ही ओवर हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है दूसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ओके अभी बहुत सारे जवाब मिले आप लोगों को। लाइफ लाइफ चैलेंजेस आर नॉट सपोज टू पैरालाइज यू, दे आर सपोज टू हेल्प यू डिस्कवर हु यू आर। चैलेंजेस ही आपको बनाते। आज मैं जो कुछ हूं अपने चैलेंजेस की वजह से हूं। अगर मैं फाइट ना करता, सॉर्ट आउट ना करता तो आज जो मैं हूं वो मैं ना होता, राइट? जिस दिन आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे 100% सक्सेस आएगी, राइट? और जैसा अमरजीत सर ने हमें बताया कि बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन क्यों ढूंढ रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। मैं क्यों नहीं कर सकता? व्हाई नॉट मी? क्या मेरे में ताकत नहीं है, राइट? आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए। अभी बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन, पहले ये चैलेंजेस खत्म हुए नहीं है बताओ पहले? पक्का किस पे? विदेशी है। आपके घर में टीवी है? कौन सा है ये, कौन सी कंपनी है? और कुछ आपके घर में इंस्ट्रूमेंट, सॉरी और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं घर में? वो कहाँ बनता है? एसी है? एसी नहीं है। एसी कहाँ बनते हैं? एसी के जो कंप्रेसर हैं वो कहाँ बनते हैं पता है आपको? जापान में बनते हैं, चाइना में बनते हैं। वो यूज नहीं करते क्या आप लोग? क्यों करते हो यूज? बंद कर दो।
लिवाइस की जीन्स खरीदते हैं लोग, स्पाइकर की लेते हैं, मैकडॉनल्ड में जाके बर्गर खाते हैं, केएफसी में जाके खाते हैं, क्यों खाते हैं, बंद कर दो। द ओनली थिंग इज कि जो चीज अच्छी है उसको अपनाने में क्या जाता है, क्या हम कोई गलत चीज अपना रहे हैं? हाँ, रात को जरूर जाएंगे दुकान पे, सर विदेशी चाहिए मुझे, वो विदेशी चाहिए, बाकी सब देसी चाहिए, है ना। अरे सोच के देखो, आपके घर में 90% आइटम वो होंगे जो बाहर बनते हैं इंडिया से, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन नीड हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी नीड है हमें, वो अच्छी चीज है, राइट। एलोवेरा इज अ गुड थिंग, इससे लोगों का भला हो रहा है। अगर FLP हिंदुस्तान में ना होती तो मैं आज भी 5,000 की नौकरी कर रहा होता, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं यहां जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। वाई? कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिसने दुनिया में बाहर जाके बिजनेस नहीं किया? लिबर्टी का जूता पहनते हैं, कहां से आया था? मिलानो कहां का ब्रांड है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, अगर कोई बुरी बात है, मैं 100% आपके साथ हूं, एक्सेप्ट मत करो, लेकिन अच्छी बात है तो व्हाई नॉट। क्यों मनमोहन सिंह जी ने विदेशी समझौते करे हैं बहुत सारे, क्यों करें? अरे सोचने लगोगे तो सोचते ही जाओगे यार, राइट। अभी एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं एंड करेंगे हम मीटिंग का। ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा, याद कर नहीं पाया, सॉरी। द सब्जेक्ट इज द लाइन, हाउ विल यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मास्टर एंड अ टीचर। ये इनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, जो बोलते हैं ना, बहुत देखा है, सब पता है मुझे, है ना। वन ग्रेट फिलोसोफर इन द डेज ऑफ गौतम बुद्ध, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे गौतम बुद्ध के दिनों में, और ही केम टू गौतम बुद्ध एंड चैलेंज हिम फॉर अ डिबेट। उन्होंने गौतम बुद्ध को चैलेंज किया डिबेट के लिए। ही हैड बीन मूविंग ऑल ओवर द कंट्री डिफीटिंग मैनी मैनी फेमस, उसने बहुत सारे लोगों को हराया था, और उन्होंने गौतम बुद्ध को आके चैलेंज किया, वेल नोन टीचर्स को भी उन्होंने हराया, और बट ही हैड नॉट कम अक्रॉस अ मास्टर, पर वो आज तक किसी मास्टर से नहीं टकराए थे, राइट। ही हैड नो फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ व्हाट अ मास्टर इज, उनको पता नहीं था मास्टर क्या होता है। ही थॉट मास्टर एंड टीचर वाज सिनोनिमस टर्म्स, उनको लगता था मास्टर और टीचर दोनों लगभग समान चीजें हैं, बट दे आर नॉट। दे मे बी सिनोनिमस इन द डिक्शनरी बट नॉट इन रियलिटी, वो डिक्शनरी में एक हो सकते हैं पर रियलिटी में नहीं। ही वॉज अ फेमस मैन, 500 डिसिपल्स ऑफ हिज ओन ऑलवेज फॉलोड हिम, हमेशा 500 लोग उनको फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग थे उनके पास। ही थॉट मिस्टर बुद्धा, जो बुद्ध जी थे, उन्होंने लुक्ड एट हिम, देयर वर 10,000 सन्यासियंस ऑफ बुद्धा, उनके पास 10,000 लोग बैठे हुए थे, और उस आदमी ने जाकर उनको चैलेंज कर दिया डिबेट के लिए, एंड ही मस्ट बी ब्लाइंड, 10,000 लोग बैठे हैं बुद्धा जी के, सन्यासियंस उनके साथ हैं, और वो उनको चैलेंज कर रहा है वहां पे ओपनली। यू हैव बीन, तो गौतम बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल ओवर द कंट्री, यू हैव सीन आस्किंग क्वेश्चंस, आपने पूरे देश घूमा है, जगह जगह बहुत सारे देश घूमे, और आपसे आपके पास क्वेश्चंस भी आए होंगे और जवाब भी आपको मिल गए होंगे, क्या आपको आपके जवाब मिले? वो बोलता है नो, माई क्वेश्चंस आर स्टिल देयर, क्या करूं मैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। इस मीटिंग के बाद भी क्या होगा, बाहर जाके ना कुछ लोग अपलाइन को पूछेंगे, सर अब कैसे करना है, मतलब है ना। द मैन सेड नो माई क्वेश्चन आर स्टिल देयर, जो बुद्ध जी ने बोला आई कैन ऑल्सो आंसर यू बट योर क्वेश्चन विल बी स्टिल देयर, मैं तुम्हें आंसर दे सकता हूं पर उसके बावजूद तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे पास ही रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपके हैं और जवाब मेरा है, देयर इज नो ब्रिज, राइट। There is no connection. Your questions needs your answer. आपके सवाल आपका जवाब चाहते हैं, तब आस्था आएगी। आस्था दूसरी मत समझना, मन वाली आस्था, राइट। यू आर रियली इन सर्च ऑफ ट्रूथ, बुद्ध जी ने पूछा कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हो, इच्छा है आपकी, तो उन्होंने उसने बोला यस, तो बोले ठीक है, देन 2 years सिट बाय माई साइड, नो क्वेश्चन, जस्ट बी साइलेंट एंड वॉच वट एवर गोज ऑन हैपनिंग। आप सिर्फ 2 साल मेरी जगह पर बैठे हो, आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, दैट्स इट, कुछ नहीं कर रहा। तो वो जो आदमी था वो बड़ा शार्प था, बुद्ध जी को देख रहा था उनकी आंखों में, बोला ठीक है मैं तैयार हूं, और फिर वो पूछता है क्या 2 साल बाद फिर मैं अपने क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे? बोले यस ऑफ कोर्स, अगर आपने नहीं पूछा तो मैं खुद आपको याद दिलाऊंगा, आपको पूछना ही पड़ेगा,
दो साल आप बैठिए और जस्ट बी साइलेंट। तो वो बोला ठीक है आई एम रेडी। तो बुद्ध जी बोले, बुद्ध सैड एब्सोल्युटली यू विल हैव टू यू आपको पूछने ही होंगे और मैं आपको बोलूंगा पूछने के लिए। ही सेट डाउन बाय द साइड ऑफ बुद्धा। वो आदमी बुद्ध जी की साइड पे बैठ गया। एट दैट वेरी मोमेंट एन ओल्ड डिसिपल ऑफ बुद्धा, उसी समय बुद्ध जी के अंडर में एक और सन्यासी थे जो साथ वाले पेड़ के नीचे बैठे हुए, राइट, सिटिंग अंडर अ ट्री जस्ट नियर बाय, स्टार्टेड लाफिंग मैडली। वो हंसने लग गए। द फिलोसोफर सेड, जो फिलोसोफर ने चैलेंज किया था, वो पूछता है व्हाट हैज हैपेंड टू दिस मैन। बोलता है ये आदमी क्यों हंस रहा है, क्या हो गया ऐसा। तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला यू कैन आस्क हिम, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। आप उससे पूछो, आज तक तो ये कभी नहीं हंसा। द फिलोसोफर आस्क्ड महाकश्यप, महाकश्यप से फिलोसोफर ने पूछा व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, व्हाई डिड यू बस्ट इनटू लाफ्टर, आप क्यों इतना हंस रहे हो। ही सेड द सेम इन माय स्टोरी, ही सेड द सेम इन माय स्टोरी, आई हैड आल्सो कम हेयर टू चैलेंज गौतम बुद्धा। मैं भी यहां पर इनको चैलेंज करने आया था, बट दिस मैन प्लेड अ ट्रिक, पर इस आदमी ने एक चाल चली। ही सेड सिट टू इयर्स बाय माय साइड एंड देन यू कैन आस्क व्हाट एवर यू वांट। उन्होंने बोला दो साल यहां बैठ जाओ, फिर जो पूछना चाहोगे पूछ लेना। आई सेड इट इज वर्थ इट बट आफ्टर टू ईयर्स ऑल माई क्वेश्चन हैड डिसअपीयर्ड। बोला मैं दो साल बैठा पर दो साल बाद मेरे जो क्वेश्चन थे उड़ गए सब, राइट। सो आई वॉन्ट टू टेल यू इफ यू रियली इंटरेस्टेड इन आस्किंग योर क्वेश्चन दिस इज द टाइम, राइट, आस्क आफ्टर टू ईयर्स यू आर फिनिश्ड, you will be sitting under that another tree, right? And exactly after 2 years, Buddha said, now it is time, you can ask your question. अब दो साल हो गए, बुद्धा जी ने उनसे बोला कि हाँ ठीक है अब आप पूछ सकते हो। He had only tears of joy in his eyes. उसकी आँख में सिर्फ खुशी के आंसू थे। He touched Gautam Buddha feet and he said, उन्होंने बुद्ध जी के पैर छुए और बोले, महाकश्यप was right. महाकश्यप ने सही बोला था, I am going to the tree. मैं भी पेड़ के नीचे जा रहा हूं। A master is a totally different phenomenon. He does not teach you anything. He transforms you. And I think इस बात पे जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे किसके लिए Our great owner Mr. Rex Mohn. कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने, राइट अभी कितने लोग अपने अपने पेड़ के नीचे बैठे हैं, है ना। अ मास्टर इज अ टोटली डिफरेंट फिनोमिनन, ही डज नॉट टीच यू एनीथिंग, ही ट्रांसफॉर्म्स यू, ही डज नॉट गिव यू डॉक्टरीज, ही अभी डॉक्टर वाला क्वेश्चन था कि मास्टर कभी डॉक्टरीज नहीं बनाते आपको, ही गिव्स यू अ टोटली न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ही गिव्स यू अ न्यू बर्थ। A master imparts something invisible. He vibe enters your being. The teacher only plays in the words which cannot reach beyond your mind. But your mind is only a mechanism. Your being is the reality. Right? The first thing you have to ask yourself is whether you want to become an encyclopedia or you want to fall into the celestial music of existence and become an important part of it. आप सिर्फ वो नॉलेज रट के अपने पास रखना चाहते हो या उस म्यूजिक का एक पार्ट बनना चाहते हो अपने आप में, राइट। यू जस्ट हैव टू बी रिमाइंडेड, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट, यू जस्ट हैव टू बी रिमाइंडेड, सब कुछ आपके अंदर ही है। द मास्टर ओनली मेक्स यू रिमेंबर यू हु यू आर, वो सिर्फ आपको याद दिलाता है। द टीचर गिव्स यू मैनी थ्योरीज, मैनी फिलोसफीज, मैनी डॉक्टरीज, द मास्टर ओनली गिव्स यू टू योर सेल्फ, राइट तो अभी हम इस मीटिंग को यहीं पे थाम लेते हैं और चार लाइनें फिर से कुछ याद आ रही हैं और ये एक्चुअली ओरिजिनल है। अभी जो पीछे वाला था वो तो सब इधर उधर से इकट्ठा किया था, अभी ये ओरिजिनल है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी काफी चैलेंजेस आ रहे थे और मैं आपको बताऊं ये मीटिंग मैंने चूज क्यों करी है, सब्जेक्ट चैलेंजेस। मेरे को रॉयल सर ने आइडिया दिया, बॉम्बे आओ ट्रेनिंग करो ऐसा वैसा, हम वहाँ पे ट्रेनर एकेडमी में थे, उस समय मेरे साथ बड़े चैलेंजेस आ रहे थे, तो मैंने ये सब्जेक्ट लिया, चैलेंजेस पर ही मीटिंग दूंगा। पता है क्यों, अभी किसी के चैलेंजेस खत्म हो रहा हो मेरे जरूर हो जाएंगे,
राइट, मैंने इन दिनों में काफी कुछ लर्न किया, सीखा, देन ये स्टोरी मैंने मुझे मिली एक जगह इंटरनेट पे, तो मैंने सीखा, तो मुझे बड़ी हेल्प मिली इससे, अभी काफी सारे चैलेंजेस खत्म हो गए मेरे। और एक दिन मैंने ट्रेन में बैठा था, ऐसी चार लाइनें लिखी, और ये मतलब मेरे दिल से, मेरी आत्मा से मैंने लिखी है, और 100% ये सच है, ये आप बीती है। दिल में बाकी अभी भी एक आस है, दिल में बाकी अभी भी एक आस है, जारी अभी भी मेरी तलाश है। दिल में बाकी अभी भी एक आस है, जारी अभी भी मेरी तलाश है। मुश्किलें हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेती, या फिर सुनहरे कल का ये आगाज है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अटेंशन, और यहां बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रॉयल सर को, अमरजीत सर को, निकिता मैम को।